Hello students, today we are going to study prenatal, infancy and early childhood in lifespan psychology. As we have studied earlier, one of the domains of cognitive psychology is lifespan psychology also. So in lifespan psychology we study everything about human beings from conception till death. So again today we are going to cover up today's lessons in four parts. So what are those four parts? They are right in front of you on your screen. So the first one is concepts of development and growth and development, lifespan perspective, methods of studying development and characteristics of development. Second one is prenatal hazards, genetics, environment influence and hazards of development. The third one is development during infancy, physical, psychosocial, cognitive and linguistic. And the last part is what? It is early childhood, in which physical, psychosocial, cognitive and linguistic development we are going to study. So we are first going to study the first unit, which is concept of development, growth and development, lifespan perspective, methods of studying development and characteristics of development. So in this, first of all we have to understand growth and development. When we listen to the words growth and development, they sound very similar. दोनों एक से लगते हैं, growth और development एक ही तो बात है. But there is a difference. Let us understand the difference between growth and development. Growth is quantitative. Quantitative मतलब हिंदी में संख्यात्मक. ग्रोथ को आप संख्या के द्वारा बता सकते हैं. You can quantify growth. बट डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव. जो डेवलपमेंट है वो गुणात्मक है, कुछ गुणों में परिवर्तन आता है, केवल संख्या में नहीं आता, गुणों में भी आता है. और जो ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है वो कंसेप्शन टू एडोलेसेंस में होती है. जो आपने देखा होगा, शरीर भी जो है बच्चे का पेट में होने से लेके एडोलेसेंट एज तक बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, तो वो ग्रोथ है. लेकिन खाली ग्रोथ नहीं हो रही, डेवलपमेंट भी हो रहा है. जैसे छोटा बच्चा पहले बोलना ही नहीं जानता है, फिर बोलना सीख लेता है, फिर उसकी बोलने की लैंग्वेज में भी जो है चेंजेस आते जाते हैं. वो हायर क्वालिटी के वर्ड्स, हायर क्वालिटी के सेंटेंसेस, हायर क्वालिटी के कॉन्सेप्ट समझने लगता है. तो ये सब डेवलपमेंट है. सो ग्रोथ इज़ मोर ऑफ क्वान्टिटेटिव, संख्यात्मक, and development is more of qualitative, गुणात्मक. अब जो development जो है वो होता क्यों है? Development होता है इसलिए है ताकि हम अपने आसपास के जो वातावरण है उसके साथ में अपने आप को adapt कर सकें. Because it is imperative throughout our life to adapt ourselves to the environment. और जो self-actualization है वो एक एसेंशियल चीज़ है हम सबके लिए. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब हुआ कि जो भी हमारा बेस्ट पोटेंशियल है उसको रीच करना, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करने के लिए डेवलपमेंट होना ही पड़ेगा. और जैसा कि मैंने बताया, जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कंसेप्शन से डेथ तक चलता ही रहता है. तो मेनली जो है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है चार डिफरेंट डोमेन्स में या एरियाज़ में होता है. पहला फिज़िकल में बता चुका हूँ, शारीरिक रूप से बढ़ते हैं हम. दूसरा साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव, जो मनोवैज्ञानिक तौर पे और संज्ञानात्मक तौर पे भी हमारा विकास होता है. जैसे कि छोटा बच्चा पहले छोटी सी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लग जाता है. पहले मॉरल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्या सही है क्या गलत है. छोटे बच्चे को तो जो मन चाहिए उठा लेगा, किसी का भी है उससे मतलब नहीं. लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लग जाते कि ये मेरा नहीं है, मुझे पूछना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले बच्चे को किलोमीटर बोलो तो समझ में नहीं आता है कि क्या होता है, लेकिन वो समझ में आने लग जाता है, अच्छा किलोमीटर मतलब डिस्टेंस और किलोमीटर मतलब इतना। लैंग्वेज धीरे धीरे उसकी इम्प्रूव होती आती है। अपने बारे में उसके जो आइडियाज़ हैं वो चेंज होते जाते हैं। उसकी अपनी एक पहचान वो जो उसके दिमाग में बनती है कि मैं क्या हूँ, ये सब जो है साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। देन सोशल और इमोशनल भी होता है। जैसे छोटा बच्चा पहले होता है छोटा, उसको ये पता ही नहीं कि आसपास के लोग कौन हैं, क्या हैं, उनसे मुझे कैसे बिहेव करना है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ आती है। अगेन छोटेपन में बच्चे को जैसे जो है इमोशंस जैसे भी आते हैं वो वैसे एक्सप्रेस कर देता है। वो ये नहीं देखता कि वो कहाँ पे है, क्या उसको बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, नथिंग। जो मन में आया बोल दिया, जहाँ मर्जी रोने लग गया, लेट गया, ये सब जो है धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आता जाता है। तीसरा इस फील्ड में होता है सोशल एंड इमोशनल। और चौथा बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है वो सेक्सुअलिटी एंड जेंडर आइडेंटिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है लाइफ का, क्योंकि अगर हमें अपनी सेक्सुअलिटी का जब आभास हो जाता है तो हम उस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को करने लग जाते हैं। जैसे एक एज के बाद आपने देखा होगा बच्चों में भी तकरीबन 6-7 साल की एज तक आते आते जो लड़के एक साथ खेलेंगे, लड़कियां एक साथ खेलेंगी, वो मिक्स होकर नहीं खेलते हैं। लेकिन उस एज से पहले जो है वो 2-3 साल के बच्चों में ये फ़र्क नहीं होता कि लड़का है कि लड़की है, वो एक साथ खेल रहे होते हैं। और उसी के हिसाब से फिर उनके आगे रोल्स वगैरह भी होते हैं कि मेरा जो भी सोसाइटी के में होता है कि इस जेंडर का ये रोल है, तो वो उस हिसाब से रोल्स भी उनके होते हैं। सो दिस इज़ अनदर थिंग। ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। देन नेक्स्ट इज जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है। लाइफ स्पैन मतलब कंसेप्शन टू डेथ, गर्भधारण से मृत्यु तक। तो इसमें जो है 4 जो है मेन फोर्सेस हमारे ऊपर एक्ट कर रही होती हैं जिनका हम पे प्रभाव पड़ रहा होता है। व्हाट आर दोज? फर्स्ट इज बायोलॉजिकल फोर्सेस, जेनेटिक्स। जो हमारे जैसे गुणसूत्र हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं, उन्हीं से जो है डिसाइड होगा कि जैसे हमारी हाइट कितनी होगी, हमारी जो है आँखों का कलर क्या होगा, बाल कैसे होंगे, स्किन का कलर क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये सब जेनेटिक्स से डिसाइड होता है। कई बार जो है बीमारियां भी जो हैं वो जेनेटिक होती हैं। देन प्री नेटल डेवलपमेंट मतलब पैदा होने से पहले जो डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चे में उसे प्री नेटल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी गर्भ में जो हो रहा होता है। वहाँ पे भी बायोलॉजिकल फोर्सेस होती हैं। माँ का खान पान, आसपास रेडिएशन है क्या, जो है मेडिसिन खा रही है माँ, कौन सी जो है उसको स्ट्रेस है, उससे कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ये सब जो है बायोलॉजिकल फोर्सेस में आता है। फिर पैदा होने के बाद भी प्यूबर्टी में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। प्यूबर्टी मतलब वयसंधि, जब जो है तकरीबन 12 से 14 साल के बीच में जो है बच्चों को प्यूबर्टी अचीव होती है, जिसमें लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी आने लग जाती है और लड़कों में स्पर्म्स बनने लग जाते हैं, सो उसे प्यूबर्टी कहते हैं। और आगे एज में जाएंगे जब फीमेल्स जो है अराउंड 45 हो जाती हैं तो उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आने बंद हो जाते हैं, उसे मेनोपॉज कहते हैं। डाइट का असर पड़ता है हमारे ऊपर, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शनिंग में, हार्ट की जो हमारी फंक्शनिंग है उस पर भी फ़र्क पड़ता है बायोलॉजिकल फोर्सेस का। हम जो एक्सरसाइज करते हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है। फिर दूसरी जो है साइकोलॉजिकल फोर्सेस होती हैं, तो उसमें पहला है इंटरनल परसेप्चुअल, अंदर से हम जो कैसा देखते हैं दुनिया को, अपने आसपास की चीज़ों का उनका क्या मतलब लगाते हैं, वो डेवलप होता जाता है, धीरे धीरे चेंज होता जाता है। फिर कॉग्निटिव जो हमारी समझ है, संज्ञानात्मक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज होती है। इमोशंस मैंने बता ही दिया। पर्सनैलिटी भी चेंज होती आती है धीरे धीरे वक्त के साथ में, एक सा नहीं रहता इंसान। हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो एक साइकोलॉजिकल फोर्स है वो हर एक इंसान की अलग होती है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सेल्फ एस्टीम, अपने बारे में हम क्या सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसा पाते हैं, कैसा सोचते हैं, वो भी साइकोलॉजिकल फोर्स है। ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ये सब साइकोलॉजिकल फोर्सेस में आते हैं। फिर तीसरा है सोशियो कल्चरल फोर्सेस, इसमें यह है इंटरपर्सनल, हम दूसरों के साथ में कैसे जो है तालमेल बिठाते हैं, सोसाइटी में कैसे रहते हैं, कल्चर का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी हमारी सभ्यता संस्कृति है उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो एथिकल फैक्टर से हमको सही गलत क्या बताया जा रहा है उस हिसाब से हमारा जो है सारा डेवलपमेंट होगा, फैमिली कैसी है, पीयर्स यानी हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे साथ में काम करने वाले कोवर्कर्स कैसे हैं, हमारा स्कूल कैसा है, जहाँ पे हम पूजा पाठ करने जाते हैं वहाँ हमको क्या बताया जाता है, हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये सब सोशियो कल्चरल फोर्सेस में आता है, इसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और चौथा है लाइफ साइकिल फोर्सेस, कोई भी जो घटना है वो कभी भी जो है दो लोगों पे एक सा असर नहीं डालती है, तो अलग अलग एज के लोगों पे अलग अलग टाइप का असर डालेगी। अगर जो है कोई आप चुटकुला सुनाओ तो छोटे बच्चे को तो समझ में ही नहीं आएगा क्या बोला गया, तो वो तो हंसेगा ही नहीं, लेकिन किसी को वो इतना अच्छा लग सकता है चुटकुला की ज़िंदगी भर याद रह जाए। या मान लीजिए घर में किसी की डेथ हो गई, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि डेथ हुई क्या है, लेकिन जो थोड़ा समझदार बच्चा होगा उसके ऊपर जो है बड़ा गहरा आघात पड़ सकता है। तो इस टाइप से जो है हमारी एज के हिसाब से, हमारे व्यक्तित्व के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से हर आदमी पे अलग टाइप का असर पड़ता है, जो अलग अलग घटनाएं लाइफ में होती हैं। तो ये सब जो है क्या हुआ, लाइफ साइकिल फोर्सेस हुई। नेक्स्ट जो है देयर आर सम इश्यूज इन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, कुछ ऐसे मुद्दे हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में जिन पे सहमति नहीं होती है आमतौर पे लोगों की। तो सबसे पहला क्या है, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर मतलब प्रकृति, यानी कि जो हमको जेनेटिकली जो चीज़ें मिली हैं उस पे निर्धारित होगा हमारा सब कुछ, या नर्चर यानी कि एनवायरनमेंट, उस पे निर्धारित होगा। तो ये ना केवल नेचर पे निर्भर करता है ना केवल नर्चर पे, दोनों के इंटरेक्शन, दोनों के आपस में तालमेल पे निर्भर करता है। फिर दूसरा जो है डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू होता है या डिसकंटिन्यू होता है, यानी कि लगातार होता ही रहता है, या हुआ फिर रुक गया फिर थोड़ी बार फिर हुआ फिर रुक गया, ऐसे चलता है। तो ये भी जो है इसमें एक कोई हम फिक्स चीज़ नहीं कह सकते हैं। जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे जो है हम चीज़ें सीखते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा जो है एक्सपीरियंस होता है, जैसे जैसे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पे काम करते हैं वैसे वैसे जो है हमको चीज़ें असर करती जाती हैं। और ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि बस इस स्टेज पे ऐसा हो जाएगा फिर इस स्टेज पे ऐसा हो जाएगा। तो ये कहीं पे आपको लगेगा कि ये कंटिन्यू है, कहीं पे लगेगा डिसकंटिन्यू है, दोनों ही बातें संभव है। तो हर जो है एक स्टेज होती है, हर लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस होती है, हर स्टेज का में जो है हमको कुछ ना कुछ सीखना होता है जो उस स्टेज के लिए ज़रूरी होता है, आगे हम बात करेंगे अभी। तो तीसरी चीज़ जो है वो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की है कि क्या जो है डेवलपमेंट स्टेबल होता है या चेंज होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम शाइनेस लें, शाइनेस मतलब शर्मीलापन। तो अब अगर कोई मान लो बच्चा शर्मीला है तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो अभी शर्मीला है और आगे चल के नहीं रहेगा, या वो ज़िंदगी भर शर्मीला रहेगा। अगेन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हाँ अभी भी शर्मीला है और बड़ा होके भी रहेगा, या अभी तो है आगे चल के नहीं रहेगा, या अभी शाही है आगे चल के उतना नहीं है जितना भी है। तो वो डिपेंड करता है। तो कभी कभी जो है स्टेबिलिटी वाली बात भी होती है और कहीं कहीं पे चेंज भी होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि यू शुड नेवर सी थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट, जैसे खाली नेचर या खाली नर्चर, या खाली कंटिन्यूस या खाली डिसकंटिन्यूस, या खाली स्टेबल या चेंज, नहीं, हमेशा कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन में ही चीज़ें बेस्ट एक्सप्लेन होती हैं। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो हमारे पूरा जो लाइफ स्पैन है इसको जो है प्राइमरीली जो है 4 भागों में बांटा गया है एज पर टेनेट एंड पॉक्सन। सो फर्स्ट इज चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, तो बचपना और किशोरावस्था। तो बर्थ से लेके 20 इयर्स की एज तक माना गया कि चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। फिर जो अर्ली एडल्टहुड है वो 17 इयर्स टू 45 इयर्स माना गया है। देन मिडिल एडल्टुड 40 ईयर्स टू 65 ईयर्स माना गया और लेट एडल्टुड ओवर 60 ईयर्स. अगर आप इसमें देखेंगे सामने स्क्रीन पे तो ये जो नंबर्स है ओवरलैप कर रहे हैं. जैसे चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस 20 तक है लेकिन अर्ली एडल्टहुड जो है वो 17 से स्टार्ट हो गया, मतलब 3 साल का ओवरलैप हो गया. लाइकवाइज मिडिल एडल्टहुड जो है नीचे लिखा है 40 to 65 और ऊपर लिखा है 17 to 45, तो यहाँ पे भी 5 साल का ओवरलैपिंग है. 40 टू 45 वाला पीरियड जो है ओवरलैप है, ऊपर है और नीचे भी है. लाइकवाइज 60 स्टार्टिंग है लेट एडल्टहुड की और ऊपर जो है 65 तक मिडिल एडल्टहुड दिया है. सो ये ओवरलैपिंग जो है गलती से नहीं है, ये जान के है, क्योंकि अभी हमने जो थोड़ी देर बाद पहले बात की थी कभी भी जैसे हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे एक स्टेज एग्जैक्टली ख़त्म हो गई और यहाँ पे दूसरी शुरू हो गई. ये ओवरलैपिंग होता है, एक स्टेज जा रही होती है दूसरी आ रही होती है. तो ट्रांजिशन का जो पीरियड होता है उसके लिए कुछ समय चाहिए होता है, तो वो जो समय जितना चाहिए होता है ट्रांजिशन के लिए वही यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है. तो ये ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं है. ये ओवरलैपिंग पीरियड बताता है कि कोई भी एक स्टेज एकदम से ख़त्म नहीं होती, दूसरी एकदम से शुरू नहीं होती, कुछ ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसीलिए ये ओवरलैपिंग पीरियड है. फिर देन डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो डोमेन्स का मतलब हुआ है कौन से क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है, तो वो मैंने अभी बताया था आपको. फिजिकल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है, एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, वातावरण के साथ में जो हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं वो भी डेवलपमेंट होता है, समाज में हम कैसे जो है अपने आप को समायोजित करते हैं, सोशल भी होता है. फिर कॉग्निटिव जो हमारा संज्ञानात्मक है वो भी होता है. फिर लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है. डेवलपमेंट पूरी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी किसी प्रकार का हो रहा होता है, कभी किसी प्रकार का हो रहा होता है. ये नहीं कि खाली फिजिकली डेवलपमेंट होगा, वो सोशल भी होता है, इमोशनल भी होता है, कॉग्निटिव भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है और पूरी लाइफ चलता है. दूसरा है जो डेवलपमेंट है दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल, वो किसी एक जो है डायमेंशन में नहीं होता है कि केवल फिजिकल में हो रहा है या केवल कॉग्निटिव में हो रहा है, नहीं, या केवल इमोशनल में हो रहा है. वो कई डायमेंशंस में हो रहा होता है और कोई ज़रूरी नहीं कि खाली बढ़ रहा हो हर डायरेक्शन में, ये भी ज़रूरी नहीं है. तो वो जो है बढ़ भी सकता होता है किसी चीज़ में, किसी चीज़ में जो घटाव भी आ रहा होता है. जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो इनिशियली जो है उसका वेट पहले कम होता है शुरू के कुछ सप्ताह और फिर जो है वो बढ़ना शुरू होता है. तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ बढ़ रही होती हैं, कुछ घट रही होती है समय के साथ में. तीसरी चीज़ है डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शनल, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, कोई एक सिंगल नॉर्मल पाथ नहीं है कि हम ये बता दें कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ऐसे होगा और इस टाइम में इतना हो जाना चाहिए. ऐसा फिक्स्ड पाथ नहीं है, कोई किसी की कोई चीज़ जल्दी हो रही होगी, किसी की कोई चीज़ डिले हो रही होगी. जैसे हम लड़कों की बात करें तो प्यूबर्टी में हो सकता है किसी की दाढ़ी जो है जल्दी निकल आ जाए, किसी की हो सकता है लेट आए. लाइकवाइज लड़कियों में किसी की हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी हो जाए, किसी की लेट हो जाए. तो ऐसा फिक्स्ड नहीं होता है कि इतने टाइम में ये होना ही है, वो जो है हर एक के लिए अलग पाथ होता है, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है. चौथा है डेवलपमेंट इज प्लास्टिक. प्लास्टिक मतलब जो व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन संभव है, ऐसा नहीं कि बस एक जितना हो गया उसके बाद में अब कुछ नहीं हो सकता. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे जैसे जब पैदा होते हैं तो उनको अगर मान लीजिए एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है और एपिलेप्सी की प्रॉब्लम की वजह से उनको जो ब्रेन का जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है वो रिमूव किया ऑपरेशन से. लेफ़्ट हेमिस्फीयर मतलब जो बायां गोलार्ध है मस्तिष्क का, वो ऑपरेशन से हटा दिया. तो अब हमारा जो स्पीच का जो सेंटर है वो ब्रेन के लेफ़्ट साइड में होता है, लेकिन लेफ़्ट जो है हेमिस्फीयर अगर हटा दिया गया तो फिर अब बच्चे को बोलना नहीं चाहिए कायदे से, तो क्योंकि लेफ़्ट हेमिस्फीयर में ही स्पीच का सेंटर होता है. पर ऐसा नहीं होता है, ये देखा गया है कि बच्चे का जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर निकालने के बावजूद भी बोलने की क्षमता डेवलप हो जाती है। इसी को प्लास्टिसिटी कहते हैं, परिवर्तन संभव है। फिर डेवलपमेंट जो है कॉन्टेक्चुअल होता है, हम मतलब किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। हर समाज की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर लाइफ की स्टेज की अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ठीक हो रहा है, कम है, ज़्यादा है, जो भी है। फिर डेवलपमेंट को केवल एक ही डिसिप्लिन में स्टडी नहीं किया जा सकता, ये कि खाली आप साइकोलॉजी में ही केवल डेवलपमेंट को स्टडी करें, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी के अलावा भी सोशियोलॉजी है, लिंग्विस्टिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, न्यूरोसाइंस है, कंप्यूटर साइंस है, मेडिसिन है, इन सब में भी जो है डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है। और लास्टली बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रोथ में डेवलपमेंट में तीन चीज़ें शामिल होती हैं। पहला तो ग्रोथ जो है उसका विकास होगा, बढ़ेगा कोई भी चीज़, उसको हम ग्रोथ कहेंगे। फिर वो डेवलप होगा, मतलब उसमें गुणात्मक जो है क्वालिटेटिव चेंजेस भी आएंगे। और फिर वो मेंटेनेंस और रेगुलेशन होगा। मेंटेनेंस मतलब जो हमने चीज़ हासिल कर ली उसको मेंटेन करें और उसको नियंत्रित करें, रेगुलेशन करें। तो हर चीज़ जो है इसी तरह होती है डेवलपमेंट में, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन, चारों चीज़ें होती हैं। केवल एक चीज़ नहीं होती खाली ग्रोथ ही हो रही है, खाली डेवलपमेंट ही हो रहा, इनके अलावा मेंटेनेंस और रेगुलेशन भी होता है। नेक्स्ट इज जो डेवलपमेंट है वो इतिहास के साथ में जुड़ा होता है। जैसे किसी एक पर्टिकुलर टाइम में मान लीजिए कोई एक प्राकृतिक आपदा आई, तो उससे रिलेटेड जो प्रभाव पड़ेगा वो उस सभी टाइम के लोगों पे पड़ेगा। जैसे अभी कोरोना है, तो कोरोना का प्रभाव जो है सभी के ऊपर पड़ रहा है, चाहे वो बच्चे हैं या एडोलेसेंट हैं या एडल्ट हैं या ओल्ड एज वाले, सब पे पड़ रहा है। तो ये हमारा जो है जो अभी की हिस्ट्री होगी उसका प्रभाव सब पे पड़ेगा, ये भी डेवलपमेंट पे प्रभाव डालता है। फिर नेक्स्ट इज जो नॉर्मेटिव एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो भी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का समय, हर चीज़ का सभी के ऊपर समान रूप से प्रभाव पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, एवरीबडी इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्टेड सिमिलरली इवन विद कोरोना। फॉर एग्जाम्पल, जो छोटे बच्चे हैं जिनको भी बाहर जाके खेलना चाहिए, वो उनके जो है मोटर डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो नहीं कर पा रहे, कोरोना की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके मोटर डेवलपमेंट पे जो असर पड़ रहा है वो एडोलेसेंट्स के ऊपर उतना नहीं पड़ेगा और ओल्ड एज वालों पे इतना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा उन पे। तो हर जो है चीज़ का एज के हिसाब से भी इन्फ्लुएंस होता है। सो ये भी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की। अब कुछ चीज़ें हैं वो प्यूबर्टी पे ज़्यादा असर करती हैं, जैसे अपनी सेल्फ आइडेंटिटी की हम बात करें, सेक्सुअलिटी की हम बात करें, वो जो है प्यूबर्टी में ज़्यादा असर करती हैं, वो बच्चे पे असर नहीं करेंगी इतना, या ओल्ड एज में इतना नहीं करेंगी, वो उसी टाइम करेंगी ज़्यादा। तो ये जो है एज ग्रेडेड भी होता है डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव हिस्ट्री ग्रेडेड इन्फ्लुएंस। अब इसमें जो है क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर जो है घटना हुई, कोई जो है पर्टिकुलर जो है सोसाइटी में बात हुई, उसका इम्पैक्ट जो है कैसे होगा। जैसे एड्स का जो है समस्या आई थी पहले बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम जो है जो सेक्सुअली एक्टिव लोग थे उन पे जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा उसका, क्योंकि एड्स का जो सबसे ज़्यादा जो है फैलने का जरिया जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है। तो जो लोगों को जानकारी नहीं थी सबसे ज़्यादा वही अफेक्टेड हुए थे। दूसरा, जैसे हम डिप्रेशन की बात करें, यहाँ पे मैं डिप्रेशन मानसिक अवसाद से मेरा मतलब नहीं है, मेंटल डिप्रेशन से नहीं है। जैसे जो फाइनेंस रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ। अगर डिप्रेशन होगा तो फाइनेंशियली जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, अब उसमें जो अर्निंग लोग होंगे उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से जो है नॉर्मेटिव भी होता है कि भाई किसके ऊपर जो है ये चीज़ अफेक्ट करेगी, किसके ऊपर नहीं करेगी। देन लास्ट इज नॉन नॉर्मेटिव इवेंट्स। नॉन नॉर्मेटिव इवेंट्स में है कि भाई अब कोई चीज़ ऐसी होती है वो हर एक के साथ होती ही नहीं पूरी लाइफ में, कुछ के साथ होंगी, कुछ के साथ नहीं होंगी। जैसे कईयों के अनफॉर्चुनेटली बच्चों के जो है पेरेंट्स जल्दी डेथ हो जाते हैं, सबके तो नहीं होते हैं। तो अब वो जो उन पे इम्पैक्ट हुआ वो सब पे तो नहीं होगा। या लॉटरी हर एक की तो नहीं लगती है, लॉटरी जिसकी लग गई तो उस पर अलग इम्पैक्ट होगा, बाकियों पे नहीं होगा। तो ये जो है नॉन नॉर्मेटिव इवेंट्स, मतलब ये सबके साथ नहीं होते, किसी किसी के साथ हो सकते हैं, तो वो इम्पैक्ट अलग होगा। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या है, सबसे पहले जो अर्ली फाउंडेशन है दैट इज़ क्रिटिकल। जो शुरुआत में जो है हमारे साथ लाइफ में जो होता है उसका हमारे ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होता है, और वो जो है आगे की स्टेजेस में हमारी लाइफ में भी इम्पैक्ट डालता है। ये आगे हम पढ़ेंगे। हमारे डेवलपमेंट में जो मैच्योरेशन और लर्निंग का बहुत बड़ा रोल होता है। मैच्योरेशन इज़ अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल ट्रेट। जो हमारे अंदर ऑलरेडी चीज़ है, जेनेटिकली हमको मिली हुई है, उसको जब हम प्राप्त करते हैं, जो हमको मिलती है, प्रकट होती है, इट मैनिफेस्ट्स, दैट इज़ मैच्योरेशन। और लर्निंग जो है वो हमारे एक्सपीरियंस से होती है और हमारे एफर्ट्स से होती है, कितना हम एफर्ट्स करते हैं वो भी होता है। तो मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों का इम्पैक्ट होता है डेवलपमेंट के ऊपर। तो जो डेवलपमेंट है उसमें दो मामलों में एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है, डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। तो एक तो डेवलपमेंट होता है सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल का मतलब वो हेड टू टो, सर से लेके पैर की डायरेक्शन में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे हाइट का बढ़ना, तो वो सिफेलोकॉर्डल हो गया। और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल ऐसे समझिए कि जैसे अगर आप ह्यूमन बॉडी के बीच में इमेजिन करें एक एक्सिस है, सीधी लाइन जा रही है सेंटर में बॉडी के अंदर की तरफ से, तो उस सेंटर वाली एक्सिस के चारों तरफ जो डेवलपमेंट होगा उसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहेंगे। तो या तो वो हेड टू टो होगा हमारा डेवलपमेंट फिजिकली, और यह प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा। फिर हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। एक कोई हम फॉर्मूला बना के हर एक पे लागू नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी लाइफ में डिफरेंट फेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, और उसकी हर जो है स्टेज के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हमको जो है हर स्टेज में एक इक्विलिब्रियम जो है स्थापित करना होता है। वी हैव टू एस्टैब्लिश एन इक्विलिब्रियम, सामंजस्य स्थापित करना होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट, वातावरण की डिमांड के हिसाब से होता है। तो अगर हमने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया, यानी कि हमने एनवायरनमेंट से की जो डिमांड है उसको पूरा कर लिया, जो हमसे चाहा जा रहा है, एनवायरनमेंट हमसे चाहता है, वो हम कर लिया, तो इक्विलिब्रियम है। और नहीं कर पाए तो वो डिसइक्विलिब्रियम है। तो अगर जो है इक्विलिब्रियम हमने हासिल कर लिया तो हमारे लिए जो है आगे बड़ा इजी हो जाता है लाइफ। और अगर हमने डिसइक्विलिब्रियम रखा, नहीं हम जो है एनवायरनमेंट की डिमांड्स को पूरा कर पाए, तो हमारे जो है पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आती है और हमको लाइफ में डिफ़िकल्टीज आएंगी। फिर जो है हर लाइफ के अलग अलग फेज़ में हैज़ार्ड्स होते हैं। हैज़ार्ड मतलब खतरे, तो फिज़िकल भी हो सकते हैं, शारीरिक भौतिक खतरे भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, और एनवायरमेंटल यानी वातावरण से रिलेटेड भी हो सकते हैं। फिर जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर स्टिमुलेशन का जो है बड़ा इफेक्ट पड़ता है। स्टिमुलेशन का मतलब हुआ जो चीज़ हमको चाहिए वो मिल जाए उस टाइम। अगर मान लीजिए जब बच्चे को बोलना सीख रहा है और उसके साथ में बोलने वाला कोई मिल गया जो उसको खूब अच्छे से बोलना सिखा रहा है, तो बड़ा इम्पैक्ट डालेगा उसके ऊपर, कंपेयर टू एक वो बच्चा जो बस बिना सुन सुन के खाली सीख रहा है। लाइकवाइज पढ़ने लिखने के लिए स्कूल गया, तो अगर कोई उसको जो है स्कूल में भी अच्छे से गाइड कर रहा है, घर में भी गाइड कर रहा है, भाई बहन भी है उसके पढ़ने के लिए, उसको एनकरेज करते हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो स्टिमुलेशन का हर स्टेज में इम्पैक्ट होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो कल्चरल चेंजेस हैं वो भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो 4-5 साल की एज तक इंडिया में रहा, उसके बाद मान लीजिए उसके पेरेंट्स जो है किसी दूसरी कंट्री में चले गए, तो कल्चर तो चेंज हो गया जहाँ पे गए वो, तो उस कल्चर के चेंज होने का भी उसके डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर जो है ये मैं पहले बता चुका हूँ कि हर जो हमारी स्टेज में कुछ सोशल एक्सपेक्टेशन होती है, सामाजिक एक्सपेक्टेशन होती है। एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद, समाज हमसे उम्मीद करता है कि ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हर स्टेज में होती है, अलग अलग होती है एक्सपेक्टेशन, लेकिन होती ज़रूर है हर स्टेज में। फिर जो ट्रेडिशनल बिलीफ होता है वो भी हमारे डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालता है। हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, कैसा सोचा जाता है हमारे समाज में, वो भी इम्पैक्ट डालता है। तो चार जो है मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। तो पहला है लॉन्गिट्यूडनल मेथड। लॉन्गिट्यूडनल मेथड में क्या है, हम कोई सैंपल लेंगे और उसको बार बार स्टडी करेंगे हर कुछ समय के अंतराल पे। जैसे मान लीजिए हमने 5 साल के बच्चे लिए 100 और उनको जो है हर 5 साल बाद हम स्टडी कर रहे हैं। पहले 5 साल पे किया, फिर 10 साल पे किया, फिर 15 साल पे किया, फिर 20 साल पे किया। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो गई। फिर दूसरी होती है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, हम एक ही बार केवल स्टडी करते हैं, लेकिन वो जो ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिससे कि हमारा पूरी जो है जो हमारा लाइफ स्पैन के लोग हैं वो कवर हो जाएं। जैसे पहले हमने स्टडी किया था 5 साल के बच्चे लिए, उनको पहले 5 पे किया, फिर 10 पे किया, फिर 15 पे किया, फिर 20 पे किया। इसके बजाय हमने क्या किया, एक ही टाइम में कुछ 5 साल के बच्चे लिए, कुछ 10 के लिए, कुछ 15 के लिए, कुछ 20 साल के लिए, और एक ही बार में उनको सबको टेस्ट कर लिया। ये क्रॉस सेक्शनल मेथड हो गया। जो तीसरा है वो सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, लॉन्गिट्यूडनल का और क्रॉस सेक्शनल का। तो इसमें हमने डिफरेंट एज ग्रुप के जैसे लिए सैम्पल्स और उनको कुछ समय बाद कई बार हमने टेस्ट किया। जैसे हमने सैंपल तो 4 लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का। तो एक बार उनको अभी स्टडी किया, फिर 5 साल बाद किया, फिर 10 साल बाद किया, फिर 15 साल बाद किया। तो ये हो गया सीक्वेंशियल। तो लॉन्गिट्यूडनल प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम सेम ग्रुप को वो जो है लंबे समय तक स्टडी करेंगे, उसमें से कई छोड़ के जा सकते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है। क्रॉस सेक्शनल में टाइम तो कम लगता है, एक ही बार करना है, पैसा भी कम लगता है क्योंकि कोई खर्चा नहीं लंबे समय तक करने के लिए, और सैंपल भी जो है क्योंकि एक ही बार करना है तो ड्रॉप आउट भी नहीं होता है। तो सीक्वेंशियल में जो है दोनों के फ़ायदे जो है हमको मिल जाते हैं। कुछ स्टडीज़ ऐसी होती है कि हमको लंबे समय तक करके ही ये बातें पता चलेंगी। जैसे अभी हमने कोरोना की बात करी थी, तो कोरोना का जो है 5 साल के बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है, 10 पे क्या पड़ रहा है, 15 पे क्या कर रहा है, 20 पे क्या पड़ रहा है, ये अभी तो हमने स्टडी कर लिया, लेकिन अब आज से 5 साल बाद क्या होगा वो हमको सीक्वेंशियल स्टडी करेंगे तभी पता चलेगा। सो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट कैसी, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कौन सी स्टडी लेनी है। हर स्टडी के अपने फ़ायदे हैं, नुकसान है। फिर लास्ट इस टाइम लैग मेथड। इसमें जो है जैसा अभी मैं बता रहा था कि हम जो है डिफरेंट एज ग्रुप के लेंगे और कोई हिस्टोरिकल इवेंट जो है उसको स्टडी करेंगे। जैसे जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जो है न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था। अब उस न्यूक्लियर बॉम्ब का इम्पैक्ट जो है आने वाली जनरेशन्स पे कैसे होगा, तो हम उन लोगों को जो अफेक्ट हुए थे न्यूक्लियर बॉम्ब के गिरने से, डिफरेंट एज ग्रुप के, उनको हम स्टडी करते रहें लंबे समय तक। और ये ऐसी स्टडी हो रही है, वाकई में हो रही है, आज तक कंटिन्यू है, 1945 से लेकर आज तक कंटिन्यू है कि डिफरेंट जनरेशन्स में क्या क्या अफेक्ट हुआ। सो ये टाइम लैग मेथड हुआ, लेकिन ये बहुत रेयरली होती है क्योंकि इसमें बहुत एक्सपेंसिव और बहुत मुश्किल होती है। तो नेक्स्ट इज जो देयर आर सर्टेन ऑब्स्टिकल्स इन स्टडिंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इतना आसान नहीं होता लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को पढ़ना। सबसे पहला होता है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। हमको जो है ऐसा सैम्पल मिल जाए जो रिप्रेजेंट करता हो पॉपुलेशन को, वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा है आपको सैम्पल मिल भी गया, देन यू हैव टू एस्टैब्लिश रैपो विद द सब्जेक्ट। एस्टैब्लिश रैपो का मतलब आपको उससे सामंजस्य, तालमेल बिठाना पड़ेगा, उसका विश्वास हासिल करना पड़ेगा, तब तो वो बताएगा अपनी बातें, वरना वो आपको क्यों बताएगा। कई बहुत सारी चीज़ें पर्सनल ऐसी होती हैं वो नहीं बताना चाहेगा कोई, अगर उसको आप पे विश्वास नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये है। तीसरी ये है कि जो मेथडोलॉजी है, जो विधि है, वो जो है आप कौन सी अप्लाई करेंगे, वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आप बच्चे के साथ अप्लाई करेंगे वो एडोलेसेंट के साथ नहीं कर सकते हैं, जो एडोलेसेंट के साथ करेंगे वो एडल्ट के साथ में नहीं कर सकते हैं, जो एडल्ट के साथ में करेंगे वो ओल्ड एज वाले के साथ में नहीं कर सकते हैं। तो हर लाइफ स्पैन के अलग अलग जो स्टेज होती है डिफरेंट हमको मेथडोलॉजी अप्लाई करनी पड़ेगी। चौथा है एक्यूरेसी ऑफ डाटा। आप जैसे भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट नहीं है तो आपका डाटा भी एक्यूरेट नहीं होगा। और लास्टली होता है एथिकल आस्पेक्ट्स। एथिकल आस्पेक्ट क्या होता है? रिसर्च में जो है हमको कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्राइवेसी का जो है वो इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। द प्राइवेसी शुड नॉट बी इंट्रूडेड। निजता का हनन नहीं होना चाहिए। फिर कोई सब्जेक्ट को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो हम स्टडी कर रहे हैं तो किसी तरह का मानसिक उनको नुकसान हो या उनको इंसल्ट फील हो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है एथिकल इश्यूज होते हैं जिनका ध्यान रखना होता है और उस दायरे में ही हमको स्टडी करनी होती है। फिर नेक्स्ट इज सेकेंड यूनिट प्रीनेटल हैजार्ड्स, जेनेटिक, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस एंड हैजार्ड्स ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो है जब जीवन की शुरुआत होती है यानी कि कंसेप्शन, गर्भधारण जिसे हिंदी में कहते हैं, तो उस टाइम जो है 23 क्रोमोसोम्स जो फीमेल होती है उसके एग से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम्स जो मेल का स्पर्म होता है उससे मिलते हैं। तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स के कॉम्बिनेशन से जीवन शुरुआत होती है यानी कि 23 पेयर्स। इसमें से जो फीमेल्स के जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के भी, वो पहले से जो है मैच्ड होते हैं, तो इनको जो है कहते हैं ऑटोसोम्स। और जो 23वां क्रोमोसोम होता है वो फीमेल अगर बच्चा हुआ तो उसमें XX होंगे और अगर मेल हुआ तो XY होंगे। तो जो फीमेल का एग है उसमें केवल X वाला क्रोमोसोम होता है। फीमेल वाले जो एग है, ओवम है जिसे कहते हैं, उसमें केवल X होता है और जो मेल का जो स्पर्म होता है उसमें जो है X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है। अब मेल का जो है X अगर कंबाइन करेगा फीमेल के X के साथ में तो बच्चा फीमेल होगा और मेल का जो है Y क्रोमोसोम कंबाइन करेगा फीमेल के X के साथ में तो बच्चा मेल होगा। तो ये भी जो है एक अंधविश्वास होता है लोगों का कि बच्चा जो फीमेल हुआ है तो फीमेल की गलती है। एक्चुअली फीमेल के पास में तो केवल X ही होता है, मेल के पास X और Y दोनों होते हैं। तो बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा ये स्पर्म से डिसाइड होता है। तो जो मेल जो सेक्स सेल होता है उसमें जो है मैच्योरेशन होती है और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। जब वो प्यूबर्टी पे अटेन करते हैं तो जो सेक्स सेल यानी कि जो स्पर्म है वो मैच्योरेशन होगा और जब वो स्पर्म जो है ओवम से मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन फीमेल के सेक्स सेल में 3 स्टेजेस होती हैं। पहले मैच्योरेशन होगा जो कि प्यूबर्टी पे होता है, फिर उसका ओव्यूलेशन होगा, जो ओवम है वो बनेगा जो कि फैलोपियन ट्यूब से होके जो उसके यूटेरस में आएगा, वो जो है ओव्यूलेशन होगा। और फिर जब स्पर्म वहाँ पे आएगा तब जो है फर्टिलाइजेशन होगा। सो ये डिफरेंस है। मेल में खाली मैच्योरेशन और फर्टिलाइजेशन होगा, फीमेल में मैच्योरेशन, ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, 3 स्टेजेस होती हैं। अब आप सोच रहे हो इतना जेंडर की बात क्यों कर रहे हैं? जेंडर की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारी पूरी लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है कि जेंडर की वजह से हमको बचपन से जो है हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारे जो पीयर यानी कि जो संगी साथी हैं, उनकी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि ये इसका ये जेंडर है तो इसको ऐसा करना चाहिए, ये सीखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। और उसी हिसाब से जो है हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। हमको जो करने को दिया जाएगा वही एक्सपीरियंस होंगे, जो करने नहीं दिया जाएगा वो एक्सपीरियंस नहीं होंगे। अगर आप लड़के को खाना बनाना नहीं दोगे तो उसको खाना बनाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आप लड़की को जो है कार चलाने नहीं दोगे तो उसे कार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो जेंडर से जो है हमारे एक्सपीरियंसेस भी डिसाइड होते हैं। तीसरा जो है, जो अगर हम अपने जो भी हमारा जेंडर है और जो भी हमारे जेंडर के हिसाब से हमारा रोल है, अगर हम वैसा कर रहे हैं तो हमारे प्रति लोगों का एटीट्यूड अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, सपोर्टिव होगा। और अगर हम वैसा नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे प्रति जो है लोगों का एटीट्यूड, चाहे वो पेरेंट्स हो, फैमिली मेम्बर्स हों, सोसाइटी वाले हों और इम्पोर्टेंट लोग हों, वो हमको डिफरेंट तरीके से देखेंगे, नेगेटिवली देखेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर लड़की जो है लड़के जैसे कर रही है, प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, लेकिन होगी उसको। लेकिन लड़का जो है अगर लड़कियों की तरह रहना चाह रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कंपेयर टू लड़की जो है लड़के की तरह रह रही है। तो इसीलिए जो हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले कि जेंडर आइडेंटिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर जेंडर आइडेंटिटी ठीक नहीं है एडोलसेंट एज पे तो आगे आने वाले टाइम में उसको प्रॉब्लम्स उसकी बढ़ेंगी। फिर नेक्स्ट इज प्री नेटल डेवलपमेंट पीरियड जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक। प्री नेटल का मतलब है पैदा होने से पहले का, यानी कि जब गर्भ में है बच्चा, दैट इज़ प्री नेटल डेवलपमेंट। व्हेन द child is in the uterus, that is the time of prenatal period। तो एक तो ये सबसे छोटा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है लाइफ स्पैन का। इसमें जो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो वो पूरी लाइफ जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है, आगे हम अभी बात करेंगे। तो सबसे शॉर्टेस्ट होता है क्योंकि इसकी जो है नॉर्मल जो है पीरियड माना जाता है डिलीवरी का 270 डेज टू 280 डेज फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन। गर्भधारण से 270 से 280 दिन के बीच अगर डिलीवरी हो रही है बच्चे की तो वो नॉर्मल पीरियड माना जाता है। फिर इसी टाइम होता है जो हमको हेरिडिटरी जो है सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि अभी जो हमने बात करी 23 क्रोमोसोम्स माँ से मिले, 23 क्रोमोसोम्स फादर से मिले, इनके मिलने से उसकी सारी जो है फिजिक, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, पर्सनैलिटी, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होने लग जाती हैं। और जो कुछ इसमें क्वांटिटेटिव भी होंगी, कुछ क्वालिटेटिव भी होंगी आगे जाके। तो दोनों ही चीज़ों पे साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल दोनों पे ही इम्पैक्ट आता है हेरिडिटरी एंडोमेंट से, जो जीन से हमको मिलती है। फिर चौथी बात जो है, जब मदर की जो बॉडी है उस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें उस पर असर डाल रही हैं, उसका इम्पैक्ट बच्चे पे डायरेक्टली होता है। फॉर एग्जांपल, अगर माँ को खाने को नहीं मिल रहा है ढंग से तो बच्चे पे असर आएगा, या माँ बहुत स्ट्रेस में रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बच्चे पे असर आएगा। माँ अगर जो है कोई ऐसी मेडिसिन्स ले रही है जो कि बहुत हार्मफुल हैं तो बच्चे पे असर आएगा। ऐसे माँ की बॉडी पे जो भी हो रहा है उसका बच्चे पे असर आएगा, चाहे वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। माँ खुश है तो बच्चे पे अच्छा असर आएगा, अच्छी डाइट मिलेगी तो भी बच्चे पे असर आएगा, माँ खुश रहेगी तो भी बच्चे पे अच्छा असर आएगा। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो फीमेल और मेल जो है सेक्स सेल्स में फ़र्क क्या होता है। फीमेल में 3 स्टेजेस है, मैच्योरेशन, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, और मेल में केवल मैच्योरेशन फर्टिलाइजेशन होती है। तो वो जो है जेनेटिकली डिसाइड होता है, प्री नेटल पीरियड में ही डिसाइड होता है। जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है एग का स्पर्म के साथ, उसी दिन जो है जेंडर डिसाइड हो जाता है, फिर वो जेंडर चेंज नहीं हो सकता है। हाँ, वो 18 ईयर्स के बाद में अगर आप ऑपरेशन करा के कोई चेंज कराना चाहे पॉसिबल है आजकल, लेकिन अगर कोई चेंज नहीं कराता है तो जो भी जेंडर जो है इनिशियली बन गया वो पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगा। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है, जो सबसे फास्ट डेवलपमेंट जो है ग्रोथ होती है जो, वो इसी पीरियड में होती है। जो ओवम है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप नंगी आंखों से शायद नहीं देख पाएंगे उसको, और उसमें जो है जो स्पर्म है वो उससे भी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, वो तो नंगी आंखों से आप देख ही नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट सी ए स्पर्म विद नेकेड आइज। तो इनके कॉम्बिनेशन के टाइम में जब वो फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का, तो उस टाइम ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत सूक्ष्म स्ट्रक्चर होता है, सूक्ष्म आकार का होता है। और उस तब से लेके पैदा होने तक ये तकरीबन जो है 11 मिलियन टाइम्स बढ़ता है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 11 मिलियन का मतलब हो गया 11 लाख गुना साइज बढ़ता है ड्यूरिंग प्री नेटल डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। फिर ये सबसे ज़्यादा हैजार्डस पीरियड है। मैंने बताया था कि हर स्टेज में कुछ हैजार्ड्स होते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, तो वो तो लाइफ के हर स्टेज में होते हैं, लेकिन प्री नेटल में सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि अभी जो है बच्चे की हर चीज़ बन रही है शरीर की, तो जो भी चीज़ बन रही है उस टाइम जो भी चीज़ ने इम्पैक्ट डाला तो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे इम्पैक्ट आएगा। और जो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर है मदर का, ख़ास तौर से, वैसे तो सबका पॉजिटिव एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट होता है, अगर कोई प्रेग्नेंट है लेडी तो उसके पास आसपास जो भी लोग हैं सबका पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे के लिए अच्छी बात है, लेकिन ख़ास तौर से जो है मदर का जो है पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्री नेटल पीरियड में डेवलपमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है, कोई माँ जो है, कोई लड़की चाहती नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट हो लेकिन हो गई है, तो ऑब्वियसली जो है उसका जो एटीट्यूड जो है बच्चे जो के प्रति जो उसके पेट में पल रहा है अच्छा नहीं होगा, वो बच्चे के प्री नेटल डेवलपमेंट पीरियड के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मदर का जो है पॉजिटिव एटीट्यूड बड़ा इम्पॉर्टेंट है प्री नेटल डेवलपमेंट में। फिर जो है प्री नेटल डेवलपमेंट जो हमने अभी बात की थी 270 टू 280 डेज़ का पीरियड है, इसको तीन पार्ट्स में जो है डिवाइड करके देखा जाता है। तो तीन पीरियड कौन कौन से? सबसे पहला है पीरियड ऑफ जाइगोट। ये कब से कब तक होता है? ये होता है फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन टू द एंड ऑफ सेकेंड वीक। जिस दिन भी जो है ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज हुए हैं उस दिन से 2 सप्ताह तक का जो पीरियड है वो जाइगोट का पीरियड माना जाता है। इस पीरियड में क्या होता है कि जिस दिन फर्टिलाइज हुए ओवम और एग स्पर्म, उस दिन से जो है लगभग 48 आवर्स के बाद जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है फर्टिलाइज्ड सेल। इस प्रोसेस को है माइटोसिस भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको क्लीवेज भी लिखा मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होकर 2 होगा, फिर 2 होकर 4 होंगे, फिर 4 होकर 8 होंगे, 8 होकर 16 होंगे, 16 होकर 32, 64, 128, ऐसे डिवाइड होते चले जाएंगे इस पीरियड में, पीरियड ऑफ जाइगोट में, विच इज़ फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू एंड ऑफ सेकेंड वीक। फिर जो सेकेंड पीरियड होता है वो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है। इसमें जो है इट स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड वीक टिल द एंड ऑफ सेकेंड लूनर मंथ। लूनर मंथ का मतलब है जो चांद के हिसाब से जो मंथ होता है, जो नॉर्मल सोलर मंथ होता है या कैलेंडर मंथ होता है वो 30 डेज का होता है, लेकिन जो लूनर मंथ होता है वो 28 दिन का माना जाता है। सो एंड ऑफ सेकेंड वीक टू एंड ऑफ सेकेंड लूनर मंथ, वहाँ तक जो टाइम पीरियड होता है वो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो कहलाता है। तो इसमें जो है सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो साइज़ होता है वो लगभग 1.2 इंच का होता है एम्ब्रियो का, और टिश्यू डिफ्रेंशिएशन हो रहा होता है। जब भी मैंने पिछली स्टेज में बताया था कि सेल डिवाइड होते जा रहे हैं, अब वो डिवाइड होके हर सेल डिफरेंट काम के लिए यूज़ हो रहा है। किसी से हार्ट बन रहा है, किसी से लंग्स बन रहे हैं, किसी से पैर बन रहा है, किसी से आँख बन रही है, वही से हैं सेल्स लेकिन अलग अलग चीज़ बन रही है। इस चीज़ को कहते हैं टिश्यू डिफ्रेंशिएशन। और इस दौरान जो है सबसे ज़्यादा खतरा होता है डैमेज का। कोई जो बाहरी चीज़ है, जैसे उनको जो है टेराटोजेंस कहते हैं, जो डैमेज कर सकती है एम्ब्रियो को। जैसे माँ को अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे रुबेला की एक डिजीज़ होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, वो अगर माँ को हो गया और माँ प्रेग्नेंट है तो जो है एम्ब्रियो पे असर आएगा। या एक्सरे रेडिएशन, उसका भी असर आएगा। या माँ की जो है डाइट ख़राब है, उस पर भी बच्चे के ऑर्गन डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। रेडिएशन के बारे में कभी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इतना रेडिएशन तो ठीक है, रेडिएशन किसी भी मात्रा में अच्छा नहीं माना गया है, अवॉइड करना ही अच्छा माना गया है। एक एग्जाम्पल देता हूँ इसमें, जैसे किडनी और जो ईयर हैं वो लगभग साथ साथ डेवलप हो रहे होते हैं, तो इस टाइम जो है अगर कोई टेराटोजिन जो है वो माँ के अंदर आया, जैसे मान लो रुबेला का जो है वायरस आया या एक्सरे रेडिएशन जरूरत से ज़्यादा हो गया, तो किडनी और हियरिंग जो है जब एक साथ डेवलप हो रहे हैं तो इन दोनों पे एक इफेक्ट पड़ेगा। तो यानी जो टिश्यू डिफ्रेंशिएशन में किस पीरियड में क्या डेवलप हो रहा है और उस टाइम जो इन्फेक्शन होगा वो उस चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, कई बार ऐसा होता है बच्चे के जो हार्ट जो है शरीर के बाहर होता है, जो क्लेफ्ट लिप होता है जिसे हिंदी में कहते हैं कि तालू जो ऊपर से जो है कटा हुआ होता है, या फिंगर्स जो है पूरी डेवलप नहीं हुई हैं, या पैरों की उंगलियां जो है पूरी डेवलप नहीं हुई हैं। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइम में जो है इन्फेक्शन हुआ है। फिर थर्ड पीरियड होता है वो पीरियड ऑफ फीटस होता है। पीरियड ऑफ फीटस स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड लूनर मंथ टू बर्थ। सेकेंड लूनर मंथ के ख़त्म होने से बर्थ तक का जो पीरियड है वो पीरियड ऑफ फीटस कहलाता है। तो जो पीरियड ऑफ फीटस इसमें जो है जब स्टार्ट होता है तो बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, जो है इस दौरान जो है पीरियड ऑफ फीटस के दौरान जो है आप उसका जेंडर भी जान सकते हैं, जो कि पिछले पीरियड में पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में आप नहीं जान सकते हैं। और कई डेवलपमेंट होते, जैसे सर के बाल जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, उसको जो है बच्चा जो है जो अंदर जो है यूटेरस के मूवमेंट भी करने लग जाता है, इवन सकिंग सॉलोइंग भी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पैदा होने के बाद में उसको फीडिंग खुद ही करनी है। तो जो यूटेरस के अंदर जो बच्चे के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है कई बार उसको बच्चा सॉलो भी कर जाता है। तो तकरीबन 38 वीक्स का जो अगर फीटस है तो उसको हम फुल टर्म मानेंगे कि हाँ बच्चा जो है फुल टर्म है, नॉर्मल है। और उस टाइम जो है बच्चे की जो है लेंथ कह लो या हाइट कह लो वो 19 इंचेस टू 21 इंचेस के बीच में होती है एवरेज, और वेट जो है 7 to 8 पाउंड्स होता है। फिक्स नहीं है कि एग्जैक्टली इतना ही होगा, लेकिन नॉर्मली ये होता है। फिर जो एनवायरनमेंट का जो है मैंने बताया था बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चे के ऊपर असर डाल सकती है, एक तो मदर्स डिजीज़ जो मैंने बताया, जो भी माँ की डिजीज़ है वो बच्चे पे इम्पैक्ट डालेगी। दूसरा ड्रग्स एंड केमिकल, जो भी माँ के अंदर जा रहा है वो भी जो है बच्चे पे इम्पैक्ट डालेगा। रेडिएशन मैंने बता दिया, नो अमाउंट इज़ कंसिडर्ड टू बी सेफ। फिर अबॉर्शन वो भी हो सकता है, एक तो मेडिकल रीजंस हो सकते हैं अबॉर्शन के, या कई बार जो है लोग बाग जेंडर की वजह से भी कराते हैं कि हमको तो लड़का ही चाहिए, तो वो भी जब प्रीनेटल पीरियड में अगर जेंडर पता लग जाता है, कुछ लोग करते हैं ऐसा, सो ये भी एक डेंजर है। फिर जो अगर मदर की एज लेस देन 18 ईयर्स है तो भी जो है बच्चे के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, या मदर की बहुत ज़्यादा लेटर से 35 ईयर्स और मोर है उस टाइम भी अगर जो है कोई कंसीव करती है लेडी तो भी जो है बच्चे के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता है। जो मदर की न्यूट्रिशन है, डाइट है, बता दिया मैंने, स्ट्रेस है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो लास्ट पॉइंट है भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। हम सबकी नहीं, तकरीबन 85% लोगों की बॉडी में एक तरह का प्रोटीन होता है, उसको RH कहते हैं। तो जो 85% जो लोग हैं जिनमें RH है प्रोटीन, तो हम कहेंगे कि वो RH पॉजिटिव हैं। तो अगर जो मेल और फीमेल यानी कि जो मदर और फादर दोनों अगर जो है RH पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि जो है फादर वो RH पॉजिटिव है और मदर RH पॉजिटिव नहीं है, यानी कि मदर RH नेगेटिव है, तो अगर वो बच्चा कंसीव किया और बच्चा RH पॉजिटिव है अगर, और अगर उसका जो है ब्लड मदर के ब्लड के कॉन्टैक्ट में आया तो उसके ब्लड में, तो बच्चे के ब्लड में तो RH है, RH पॉजिटिव है क्योंकि वो, और मदर के ब्लड में RH नहीं है तो RH नेगेटिव है, तो मदर की बॉडी जो है उसके ब्लड को रीड करेगी एज कोई फॉरेन एलिमेंट आ गया है और इम्यून सिस्टम जो है मदर का वो अटैक करेगा अपने ही बच्चे को, उसके जो RH पॉजिटिव होने की वजह से मदर की बॉडी का जो सिस्टम है वो उसको एज फॉरेनर ट्रीट करता है और अटैक करके उसको मारता है। तो उसको जो है कहते हैं अराइथोब्लास्टोसिस, इसमें जो है एबॉर्शन हो सकता है। तो ये भी एक एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। यूनिट 3 पे आते हैं, डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक। तो सबसे पहले इन्फेंसी पीरियड के जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब हम इन्फेंसी पीरियड में आ गए, प्रीनेटल ख़त्म हो गया है। इन्फेंसी जो है एक्चुअली कहीं स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं है, पर नॉर्मली जो है बर्थ टू 2 इयर्स माना जाता है। जो डॉक्टर्स हैं, अगर डॉक्टर से पूछेंगे, सो दे से इन्फेंसी इज़ फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स। तो पैदा होते ही बच्चे के पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में उसको एडजस्टमेंट करना होता है। 4 मेन एडजस्टमेंट करने होते हैं पैदा होते ही। सबसे पहला जो मदर का जो यूटरस होता है उसके अंदर टेम्परेचर तकरीबन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट है, याद रखिएगा। और जब वो पैदा होता है हॉस्पिटल या घर में, तो वहाँ का टेम्परेचर लगभग 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इतना टेम्परेचर डिफरेंस इमीडिएटली होता है, तो बॉडी को एडजस्ट करना होता है उसकी। दूसरा जो है, जब वो गर्भ में होता है, व्हेन द चाइल्ड इज़ इन यूटेरस, उसको जो है सांस जो है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो नाल जो जुड़ी रहती है बच्चे के नाभि से माँ के साथ में, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। उसके जरिए उसको ऑक्सीजन मिल रही होती है, लेकिन पैदा होने के बाद में उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है। तो अब बच्चे को खुद सांस लेनी है। तीसरी चीज़ जो है, जब बच्चा यूटेरस में होता है तो उसको सारा न्यूट्रिशन जो है मदर के थ्रू मिल रहा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। लेकिन पैदा होते ही जो है उसको सारा कुछ न्यूट्रिशन खुद करना है, और वो कैसे करना, सकिंग और स्वॉलोइंग उसको सीखना पड़ेगा उसको, क्योंकि दूध पीने के लिए सकिंग करना पड़ेगा, तब वो दूध निकलेगा मदर के ब्रेस्ट से, और जब उसके मुंह में आ जाएगा तो उसको स्वॉलो भी करना है। तो ये चीज़ें उसको सीखनी पड़ेंगी, जो कि प्रीनेटल पीरियड में उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और चौथा जो है एलिमिनेशन, जो वेस्ट मटीरियल है बॉडी का, फीसेस, जो यूरिन है, जो उसके फीसेस हैं, वो जब गर्भ में था वो तो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो है यूरिनरी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है वो एलिमिनेट हो जाता था मदर के थ्रू। लेकिन पैदा होने के बाद में उसको एलिमिनेट खुद करना है, यूरिन भी खुद ही पास करना है, फीसेस भी खुद ही पास करना है। तो ये 4 मेन चैलेंजेस पैदा होते ही बच्चे के पास होते हैं। फिर जो इन्फेंसी पीरियड में एक प्लेटो होता है शुरू में। प्लेटो का मतलब हुआ कि एक स्थिरता आ जाती है, कुछ ना बढ़ रहा ना घट रहा है। जो इससे मैंने भी बताया कि इनिशियली बच्चे का जो है वेट लॉस होगा, तो फिर वो जो है धीरे धीरे वेट गेन करके पहले जितना आएगा तो ये थोड़े दिन उतना रहेगा, तो प्लेटो पीरियड होगा। फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा। फिर जो इन्फेंसी पीरियड है, यानी कि 2 साल तक का समय जो है, इस दौरान जो है बच्चे की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हेल्थ है, वो सब देख के हम उसके आगे के जो है बाद की एज की जो डेवलपमेंट का आइडिया लगा सकते हैं। हिंदी में कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इस पीरियड में जो बच्चे के एक्टिविटीज़ के बारे में देख के काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ्यूचर हेल्थ कैसी होगी, कितना एक्टिव होगा, कैसी इमोशनल स्टेबिलिटी होगी वगैरह, अंदाज़ा लगा सकते। फिक्स्ड नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये पीरियड जो है हैज़ार्ड का होता है। ये मैंने आपको बताया, लाइफ की हर स्टेज में हैज़ार्ड होते हैं, प्रीनेटल में भी थे, इसमें भी होते हैं। टाइप ऑफ हैज़ार्ड अलग हो जाते हैं। जैसे इस इन्फेंसी पीरियड में सबसे पहला जो फिजिकल हैज़ार्ड होता है कि जब वो बर्थ हो रही है बच्चे की, उस टाइम अगर कॉम्प्लिकेशन होगा, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड जो है मदर की वो बच्चे के गले में अटक गई तो फिजिकल हैज़ार्ड है। या ऑपरेशन के थ्रू बच्चा पैदा हो रहा है, तो जो ऑपरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। या मान लीजिए मल्टीपल बर्थ है, मतलब 2 या 2 से अधिक बच्चे एक साथ पल रहे हैं गर्भ में, तो ऑब्वियसली जो है हर एक के लिए जो है स्पेस कम होगी। एक ही अगर बच्चा होगा तो उसको पूरी स्पेस मिलेगी, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो उनको स्पेस कम मिलेगी, तो भी डेवलपमेंट उनका जो है कम होगा। या जो है, जो अभी हमने बात की थी कि 272 to 280 days या 38 वीक्स का जो टर्म है वो नॉर्मल मानते हैं। अगर उस दौरान जो है डिलीवरी किसी कारण से नहीं हुई, उससे आगे तक चला गया टाइम पीरियड, तो उसे हम कहेंगे पोस्ट मैच्योरिटी। तो फीटस के मैच्योर होने के बाद भी डिलीवरी नहीं हुई है तो फिर पोस्ट मैच्योरिटी में जो है फिर ऑपरेशन से करना पड़ता है, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो बच्चे को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर वो प्री मैच्योर हो रहा है बच्चा तो भी नुकसान हो सकता है बच्चे को, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से उसके सिस्टम्स डेवलप नहीं है, तो एनवायरनमेंट के साथ वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स। तो वो कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ भी होते हैं, हर कल्चर के अलग होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे भाई ये तो ऐसी राशि में पैदा हुआ है या ऐसे समय में पैदा हुआ, इसके जीवन में हमेशा दुखी रहेंगे। तो अब इस जो है वजह से बच्चे को हमेशा साइकोलॉजिकली जो है वो डिप्रेस्ड ही रहेगा। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है कि हाँ मेरे तो किस्मत में ही लिखा हुआ है, या किसी ने बोला कि बच्चा तुम्हारे लिए अशुभ होगा, दिस चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी इनऑस्पिशियस फॉर यू, तो भी जो है वो साइकोलॉजिकली जो है बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। फिर जो है जब बच्चा पैदा होता है वो हर चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, तो एक हेल्पलेसनेस की जो है स्थिति में होता है बच्चा। तो अगर उसकी अच्छे से केयर नहीं की गई है तो इमोशनल स्टेबिलिटी उसमें नहीं आएगी। फिर पेरेंट्स का एटीट्यूड, जैसे जेंडर की वजह से लाइक या डिसलाइक हो सकता है, या प्लान्ड या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी की वजह से भी जो है पेरेंट्स का एटीट्यूड डिफ़र कर सकता है। ये सब जो है साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स होते हैं। फिर जो इन्फेंसी में साइकोसोशल डेवलपमेंट भी होते हैं। साइकोसोशल का मतलब हो गया हमारे वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जिनका लेना देना सोसाइटी से होता है, यानी सोसाइटी की वजह से जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं उनको साइकोसोशल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमें समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि हमारा कौन हमारा क्या लगता है, किससे क्या रिलेशन है, कौन हमको कैसा समझ रहा है, किससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, कौन कैसा हमारे साथ बिहेवियर कर रहा है, हमें किसके साथ कैसा बिहेवियर करना है। हमें अपने बारे में वातावरण से पता लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे कैसा समझ रहे हैं। ये सब जो है डेवलपमेंट साइकोसोशल डेवलपमेंट होता है। तो एरिक एरिक्सन जो है एक जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, सो ही हैड गिवन साइकोसोशल स्टेज थ्योरी, उसमें लाइफ की हर स्टेज के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो जो इन्फेंसी स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है उसमें एक होती है चीज़ ईगो आइडेंटिटी। ईगो आइडेंटिटी मतलब हमको ये पता चलता है अपने बारे में दूसरों से इंटरेक्शन करने में कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। ये सब जो है ये अपनी एक आइडेंटिटी उसकी बन रही होती है, और वो अगर अच्छी बन रही है तो उसकी जो ईगो स्ट्रेंथ या ईगो क्वालिटी हम कहेंगे कि अच्छी है, उसने जो है अच्छी तरह मैनेज कर लिया अपने बारे में, तो उसको जो है ईगो स्ट्रेंथ अच्छी होगी, वो आगे के लिए अच्छा होगा। तो जो पहली स्टेज होती है लाइफ स्पैन की आफ्टर बर्थ इन्फेंसी की, इसमें जो एरिक एरिक्सन ने जो सबसे पहली स्टेज बोली उसे कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ये मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बच्चा हेल्पलेस स्टेट में होता है, तो वो हेल्पलेस स्टेट में उसको हर चीज़ के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट है, चाहे वो पानी पीना है या दूध पीना है, मच्छर काट रहे हैं, शूशू पॉटी कर लिया है, कुछ भी है, हर चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो जब उसको जो उसकी नीड्स जैसे ही अराइज हो रही हैं, जैसे ही उसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो तुरंत उसकी पूरी कर दी जा रही है, तो वो ट्रस्ट वाली उसके अंदर फीलिंग आएगी कि हाँ दुनिया में लोग अच्छे होते हैं, और ये आगे भी उसकी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, इवन एडल्टहुड में भी। तो उसको अगर बचपन में ट्रस्ट वाली फीलिंग आई तो जो है उसकी आगे की लाइफ में भी इम्पैक्ट होगा कि वो लोगों से कैसे संबंध बनाएगा, इम्पैक्ट आएगा। और अगर उसमें उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं गया, कभी किया कभी नहीं किया, या वो पड़ा हुआ रो रहा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उसके अंदर एक मिसट्रस्ट वाली फीलिंग बचपन से आ जाएगी, वो आगे भी चल के उसकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करेगी। सो ये पहली स्टेज जो है यहाँ पे बच्चे को क्रॉस करनी होती है साइकोसोशल डेवलपमेंट की, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उसके केयर टेकर के ऊपर। इसीलिए जो कि प्राइमरीली केयर टेकर मदर ही होती है हर जगह, इसीलिए मदर का एटीट्यूड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। देन इसके अलावा और भी जो है हमारे साइकोसोशल डेवलपमेंट होते हैं। जैसे शुरुआत में बच्चा जो है उसका जो है अटैचमेंट जो होता है इनडिस्क्रिमिनेट होता है, मतलब उसको ये नहीं पता है कि कौन मेरा क्या है, कि ये मेरी माँ है, कि ये मेरे फादर हैं, कि मेरा भाई है, उसको नहीं पता है। जो उसकी ज़रूरत पूरी कर दे बस उसको पता है कि ये मेरी ज़रूरत पूरी कर रहा है। तो अटैचमेंट जो है रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट होता है, नॉट रिलेटेड टू इमोशन इनिशियली, उसे कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट। फिर जो है वो धीरे धीरे जो है वो पहचानने लगता है, ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर हैं वगैरह वगैरह। तो वो स्माइल देने लगता है। तकरीबन 2 महीने की एज में बच्चा जो है स्माइल देने लग जाता है। तो इनिशियली वो सिर्फ जो है स्माइल देना, उसका जो है एक तरह का एक्सरसाइज करना होता है, अपने जो है जो भी फेशियल मसल्स हैं उनको एक्सरसाइज दे रहा है। लेकिन जब उसकी स्माइल को देख के दूसरे स्माइल करते हैं तो उसको समझ में आता है कि अच्छा ये रेसिप्रोकेट किया जा रहा है, मेरी स्माइल का जवाब दिया जा रहा है। तो ये सीख जाता है कि अच्छा कोई स्माइल करे तो स्माइल करना चाहिए। और अगर जो है उसका जो है अटैचमेंट अपने मदर के साथ में ज़रूरत से ज़्यादा है तो फिर जो है मदर के दूर होते ही उसको एंग्जाइटी होगी, उत्कंठा पैदा होगी। तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट भी अच्छा नहीं होता है। और शुरुआती जो है पीरियड में बच्चे को फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स होता है, ख़ासतौर से अगर मदर आसपास ना हो तो कोई अनजान व्यक्ति आए तो बच्चे को डर लगता है, रोने भी लग जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जो है क्योंकि आसपास लोग कभी ना कभी तो आएंगे ही, तो धीरे धीरे जो है बच्चे को आदत पड़ जाती है, फिर फियर ऑफ स्ट्रेंजर वो ख़त्म हो जाता है। फिर अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में। तो इसमें जो है सबसे पहली एक चीज़ जो है आपको बताने की वो एक होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो अगर आप उसके सामने ऐसे फेस करके बैठें और अपने दोनों हाथ से अपने फेस को बंद कर लें और फिर जो है ऐसे हटाएं तो बच्चा हंसने लगेगा, क्योंकि बच्चे को ये नहीं समझ में आता है कि हाथ जब ऐसे किया गया तो इसके पीछे अभी व्यक्ति मौजूद है, और हाथ हटाया तो आया नहीं, वो आदमी तो पहले ही था, लेकिन बच्चे को लगेगा कहीं से आ गया तो बड़ा खुश होता है। लेकिन तकरीबन 7 महीने की एज तक आते आते बच्चे को समझ में आ जाता है कि ये केवल हाथ बीच में आया है, आदमी जो है कहीं गया नहीं है। सो ये एक ऑब्जेक्ट परमानेंस उसको समझ में आ जाता है बच्चे का। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की रिलेटेड जो है एक साइकोलॉजिस्ट हुए जॉन पियाजे, स्क्रीन पे नाम लिखा हुआ है, ये जीन नहीं है, जॉन है, जे और जेड के कॉम्बिनेशन से जॉन पियाजे, फ्रेंच थे। तो इन्होंने जो है 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताई थी। तो जो इन्फेंसी वाली स्टेज में जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, तो आज के लेक्चर में हम ये पहली 2 स्टेजेस पढ़ेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो पहले जो है हम सेंसरी मोटर स्टेज को लेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, 6 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पहली होती है रिफ्लेक्सेस, ये बर्थ से लेके तकरीबन 1 महीने की एज तक होती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा अपने आसपास की दुनिया को प्योरली अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं और रिफ्लेक्सेस हैं उनके थ्रू समझ रहा होता है। जैसे बच्चे के हथेली में उंगली रखोगे तुरंत ग्रिप कर लेगा, कुछ भी रख दो उसको, जो है मुंह में कुछ भी डालो वो सक करने लग जाएगा, सॉलो करने लग जाएगा। ये सब जो है रिफ्लेक्सेस होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है उसका प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, जो कि तकरीबन 1 महीने की एज से 4 महीने की एज के बीच में होता है। इसमें बच्चा खुद ही कोई एक्शन करेगा और उसी एक्शन की वजह से कोई स्टिमुलस पैदा होगा, उद्दीपक पैदा होगा, और उसकी वजह से वो बार बार रिपीट करता है। जैसे मान लो बच्चे के हाथ में झुंझुना है तो उसने अपना हाथ हिलाया तो झुंझुने में आवाज़ हुई, तो झुंझुने की आवाज़ जो है स्टिमुलस होगी उसके लिए, और फिर हिलाएगा फिर आवाज़ होगी, फिर हिलाएगा फिर आवाज़ होगी, ऐसे वो करता रहेगा जब तक थक नहीं जाएगा या उसका मन नहीं भर जाएगा। सो दिस इज़ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। देन थर्ड इज सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 4 महीने से लेके 8 महीने की एज के बीच में होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अपने आसपास की दुनिया के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है और वो अपने वातावरण में कोई जो है चीज़ जो है अपने मनचाही करने के लिए जो है ट्रिगर करता है अपने एक्शंस को। जैसे मान लो उसको पता है कि अगर मैंने ये चीज़ बोला, कोई एक वर्ड बोला तो जो है मुझे ये मिलेगा, तो वो वर्ड को बोलेगा। या उसको पता है कि अब जो है मुझे जो है मेरा नैपी जो है गीला हो गया, चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए मैं किसको कैसे बुलाऊं, तो मैं रोने लग जाऊं, तो नैपी के लिए वो बुलाने लग जाएगा। अब वो इस स्टेज में वो कुछ चाहता है वातावरण से, एनवायरनमेंट से, इसलिए कुछ कर रहा होता है। फिर चौथी स्टेज आती है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस। ये फ्रॉम द एज ऑफ 8 months टू अबाउट 12 months, इसके बीच में होता है। अब इस एज में जो है बच्चे को एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जो उसका फोकस होता है, ये मुझे चाहिए। अब जो है वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एक्शन करेगा। जैसे उसको अगर जो है उसका कोई खिलौना ब्लैंकेट के नीचे रख दो और उसको खिलौना चाहिए, तो क्रॉल करके वहाँ तक जाएगा, ब्लैंकेट को हटाएगा और खिलौने को निकाल लेगा। सो दिस इज़ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस। देन इसके बाद में आती है फ्रॉम द एज ऑफ 1 year यानी कि 12 months टू 2 years यानी कि 24 months तक टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। इसमें ट्रायल एंड एरर होता है। बच्चा कुछ करना चाहेगा, वो करेगा, गलती होगी, फिर उस गलती से सीखेगा, फिर और इम्प्रूवमेंट आएगा, फिर ऐसे करते करते वो सीख जाएगा। सो ये टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस है। और इसी दौरान यानी कि बर्थ टू 24 months के दौरान बच्चे के अंदर अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट आ रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे को सिंबल समझ में आ रहे होते हैं कि क्या सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इवेंट या क्या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। कि वो एप्पल क्या है उसको समझ में आने लग जाता है, ये चीज़ है एप्पल है, या ये जो है मेरी माँ है, इसको मुझे माँ बोलना है। इस तरह से चाहे वो वर्बल हैं या वो साइन से हैं या वो विजुअल हैं, उसको जो है सिंबल समझ में आने लग जाते हैं कि ये चीज़ ये है। ये जो है फाइनल स्टेज होती है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन सेंसरी मोटर स्टेज। फिर इसी दौरान इन्फेंसी में ही जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है। मैंने लैंग्वेज पे पूरा एक वीडियो जो है डाला हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे मैं बहुत ब्रीफ में बताऊँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लैंग्वेज के जो है कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है फोनेम। फोनेम मतलब स्पीच साउंड्स, चाहे वो कॉन्सोनेंट्स हैं चाहे वॉवल्स हैं, वो फोनेम्स होते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट स्पीच साउंड जो होते हैं उनको फोनेम कहते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे। फिर होते हैं मॉर्फेम। मॉर्फेम्स जो है सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल जो है साउंड होते हैं, जैसे आई, आई का मतलब मैं, तो ये मॉर्फेम होगा। ए का मतलब एक, द का मतलब कोई ख़ास चीज़, कोई भी शब्द के आगे हम ई डी लगा देंगे तो मतलब पास्ट टेंस हो गया। तो ये सब मॉर्फेम्स हो गए। या हमने किसी चीज़ के पहले जो है जैसे मिस लगाया तो मिस कैलकुलेशन, मिस मैनेजमेंट, तो मिस का मतलब ख़राब होना, तो ये भी मॉर्फेम हो गया। फिर सिमेंटिक्स में जो है शब्दों की मीनिंग, वर्ड मीनिंग्स, दैट कम्स अंडर सिमेंटिक्स। देन कम्स ग्रामर, उसको सिंटैक्स भी कहते हैं। और पांचवा होता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स में जो है जैसे हमको मालूम है कि किसी को कब बोलना है, कब रुकना है, कब मुझे जवाब देना है, कब मुझे क्वेश्चन पूछना है, कब सुनना है, किसका टर्न कब है, किस टोन में मुझे किससे बोलना है, कैसी लैंग्वेज किसके साथ में यूज़ करनी है, ये सब प्रैग्मेटिक्स में आता है। तो ये सब भी जो है बच्चा धीरे धीरे सीखने लग जाता है। फिर जो स्टेजेस जो है डेवलपमेंट लैंग्वेज की होती है, वो सबसे पहली होती है कोइंग। कोइंग में क्या होता है, बच्चा जो है जो वॉवल्स है केवल वो बोल रहा होता है। जैसे इंग्लिश की बात करें तो ए ई आई ओ यू, तो उसमें आई यू, या हिंदी की बात करें तो आई यू ए आई ओ आऊंगा, तो इस टाइप के साउंड बच्चा निकाल रहा, आई ए ओ, ऐसे कर रहा होता है तकरीबन 2 month की एज पे। तो इस स्टेज में जो इवन जो डेफ बच्चे हैं, जो बहरे बच्चे हैं, वो भी कूइंग की साउंड निकाल रहे होते हैं, पैदाइशी जो बहरे हैं वो भी निकाल रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है बैबलिंग, वो तकरीबन 4 to 8 months की होती है। इसमें जो है बच्चा अब जो है जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट मिला के जो है बोलने लग जाता है, जैसे बाबा, दादा, मामा, ये सब जो है वॉवल और कॉन्सोनेंट की कॉम्बिनेशन से वर्ड बना के बोल रहा होता है। बैबलिंग वाली स्टेज में जो डेफ बच्चे हैं, जो पैदाइशी डेफ हैं, बहरे बच्चे, वो फिर अब साउंड निकालना बंद कर देते हैं, कूइंग तक वो करते हैं, फिर नहीं करते हैं। फिर तकरीबन 12 जो है महीने की एज पे जो है पहला वर्ड बच्चा बोल लेता है, और तकरीबन 18 महीने की एज पे टेलीग्राफिक स्पीच होती है। टेलीग्राफिक स्पीच मतलब वो 2 word के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बना के बोलेगा। जैसे उसने बोला मम्मी घुम्मी, मतलब मम्मी घुमाने ले चलो, या मम्मी दूध दू, मतलब मम्मी दूध दे दो। और इस दौरान जो है वो दो तरह की जो है मिस्टेक्स कर रहा होता है, क्योंकि अभी उसके पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते हैं हर चीज़ के लिए। तो जो वर्ड सीख लिया है उसी को वो हर जगह जो है अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रोसेस में वो दो तरह की मिस्टेक्स करता है, या तो ओवर एक्सटेंशन या अंडर एक्सटेंशन। ओवर एक्सटेंशन में क्या होता है कि बच्चा उस वर्ड को वहाँ पे भी यूज़ कर देगा जहाँ पे उसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि बॉल उसको पता है, उसको वो खेलता है तो बॉल उसको पता है। आप उसको शाम को बाहर घुमाने ले गए तो उसने मून देखा। अब मून उसके वर्ड जो है उसकी वोकैबुलरी में भी नहीं है, उसके शब्दकोश में मून नहीं है। चांद नहीं पता उसे क्या होता है, तो वो चांद की तरफ उंगली करके बोलेगा बॉल, क्योंकि वो बॉल के जैसे दिखती है। तो ये हो गया ओवर एक्सटेंशन। और एक होता है अंडर एक्सटेंशन। अंडर एक्सटेंशन में क्या होगा कि वो उस वर्ड को वहाँ उस जगह भी यूज़ कर देगा जहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होना। जैसे मान लीजिए उसको आप ब्लैंकेट उड़ाते हैं, बच्चे को उसको कहते हैं ब्लैंकी ब्लैंकी करके उड़ाते हैं, तो उसको अपना ब्लैंकेट पता चल गया कि ये ब्लैंकी है। तो अब जो है उसको आप चादर भी उड़ाओगे तो वो ब्लैंकी बोलेगा। तो इस तरीके से जो है, या उसका जो डॉग है उसको जो है उस डॉग को उसे पता है कि जो है क्या नाम है, ये जो है मेरे डॉग का ये नाम है, और वो नाम जो है दूसरे डॉग को देख के वही बोल रहा है। तो ये अंडर एक्सटेंशन हो गया, वहाँ डॉग वर्ड यूज़ नहीं कर रहा है, वो उसी वर्ड को यूज़ कर रहा है जो उसको पता है। तो ये ओवर एक्सटेंशन की भी एरर हो सकती है और अंडर एक्सटेंशन की भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट इज यूनिट 4 अर्ली चाइल्डहुड फिजिकल साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है तकरीबन माना जाता है फ्रॉम द एज ऑफ 2 ईयर्स टू अबाउट एज ऑफ 6 ईयर्स, यानी कि बच्चा जब तक स्कूल जाना स्टार्ट करता है इस एज को जो है अर्ली चाइल्डहुड माना जाता है। तो ये जो है प्ले या टॉय एज होती है। इसमें जो बच्चे की जो प्ले जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो है टॉय जो है खिलौने बहुत इंटीग्रल पार्ट होते हैं। तो इसीलिए जो है इस दौरान अगर बच्चे को कुछ सिखाना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको प्ले एक्टिविटीज़ के जरिए सिखाया जाए। तो बहुत तेज़ी से सीखेगा क्योंकि उसको वैसे ही खेलने में इंटरेस्ट होता है इस टाइम में। और पेरेंट्स के लिए बच्चे की केयर से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे का जो बिहेवियर होता है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है पेरेंट्स को। क्या किस तरह की प्रॉब्लम आ रही होती है कि बच्चा जो है ज़िद्दी होगा, ऑब्स्टिनेट होगा, स्टबर्न होगा, बात नहीं मानेगा, या उसमें जो है निगेटिविज्म होगा जो हर चीज़ को मना कर देगा, या एंटागोनिस्टिक होगा, या जो बोला है वो नहीं करेगा। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं। इंग्लिश में जो तकरीबन 2 साल का जो बच्चा होता है उस एज में इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए एक वर्ड भी है टेरिबल टूज़। टेरिबल टूज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बच्चा किसी की कुछ नहीं समझ रहा होता, उसको बस जो मन आता वो करता है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड में जो है बच्चे की जो है जैसे बड़ा होता है, जो तकरीबन 5-6 साल तक आता है तो स्कूल गोइंग एज हो जाती है। तो वो जब स्कूल गोइंग एज हो जाती है तो बच्चे को जो है माना जाता है कि ये फिज़िकली और मेंटली इंडिपेंडेंट है, अपनी चीज़ें कर सकता है। तो पहले ज़माने में जो है 7 साल के बच्चे को एडल्ट माना जाता था कि अगर उसने कोई गलती की तो वही सज़ा मिलेगी जो एडल्ट को मिलती है। तो ये जो है ट्रांजिशन जो इस दौरान बहुत तेज़ी से हो रहा था, बच्चा बहुत तेज़ी से जो है समझदार हो रहा था आफ्टर 5 ईयर्स। फिर इस दौरान बच्चा जो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट होता है, अपने काम जो खुद करने लगता है, खाना खुद खा लेगा, कपड़े पहन लेगा, नहा भी लेगा, शुशु पॉटी भी कर लेगा, ये सब होता है। अब ये जो एज होती है ये जो है उसकी सोशल फाउंडेशन की होती है, उसकी बुनियाद होती है सामाजिक जीवन की। क्योंकि जब तक वो स्कूल नहीं गया तो घर में उसके मन से सारी चीज़ें होती है, उसकी टेक केयर कर रहे होते हैं लोग, आप जो ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब वो स्कूल जा रहा है तो अब वहाँ पर उसकी मर्जी की चीज़ें नहीं चलेंगी, उसको सोसाइटी के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है अर्ली चाइल्डहुड का सबसे की चीज़ होती है कि उसको जो है ऑर्गेनाइज सोशल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ जीना सीखता है, उसकी एक फाउंडेशन बनती है सोशल बिहेवियर की। और बाकी जो है फिज़िकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, कॉग्निटिव भी हो रहा है, इमोशनल भी हो रहा है। जैसे पहले 2 साल का बच्चा कहीं भी फैल जाएगा, लेट जाएगा, रोने लग जाएगा, लेकिन जो स्कूल गोइंग बच्चा है वो ऐसा नहीं करता है इतना ज़्यादा जितना 2 साल वाला करेगा। तो इमोशनल कंट्रोल भी बेटर होने लग जाता है। और सोशल डेवलपमेंट भी होने लग जाता है। जैसे उसको पता है कि ये बड़े हैं तो नमस्ते करना है, पैर छूना है, इनको जो है बात माननी है मैंने, इस तरह से उसका सोशल डेवलपमेंट भी होता है। फिर जैसे मैंने बताया कि हर स्टेज के हैज़ार्ड्स होते हैं, तो इस चाइल्डहुड के भी हैज़ार्ड होते हैं। तो फिजिकल हैज़ार्ड्स क्या है? इलनेस, अगर कोई बीमारी हो गई, लंबे समय तक जो है बच्चा मान लीजिए बीमार रहा, तो वो जो है उसके जो डेवलपमेंट में प्रभाव डालेगा, क्योंकि इस एज में जो है जो उसके मोटर स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स मतलब हाथ पैर उंगलियों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सब जो है अगर वो नहीं खेलेगा, नहीं जो है फिजिकली एक्टिविटी करेगा तो डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है जब वो डेवलप हो रहा है। तो उसको खेलने को नहीं मिला तो इम्पैक्ट होगा। फिर दूसरा एक्सीडेंट, इस दौरान बच्चे बहुत दौड़ भाग करते हैं तो एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है। ओबेसिटी का भी आजकल बहुत ज़्यादा खतरा है, ख़ास तौर से कि फास्ट फूड जो बच्चे खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, बर्गर खाएगा, तो ओबेसिटी होगी, और ओबेसिटी होगी तो फिर उसको जो है और दूसरी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर इस दौरान जो है साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स भी होते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें जो है प्रॉब्लम होती है स्पीच हैज़ार्ड की। जो भी मैंने बताया बच्चा बोलना सीख रहा, अगर किसी वजह से वो बोलना नहीं सीखा तो उसके अंदर अपने लिए जो है एक हीन भावना आ जाएगी, सेल्फ एस्टीम, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और उसको जो है कम्युनिकेशन की वजह से लोग उसकी बात नहीं समझ पाएंगे, वो अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाएगा, दिल की बात कह नहीं पाएगा। उसके अगेंस्ट में लोगों के मन में प्रेजुडिस होगी, डिस्क्रिमिनेशन होगा, उसके दोस्त उसके साथ में खेलना नहीं चाहेंगे, ये सब जो है सोशल हैज़ार्ड्स होंगे। ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली उसके ऊपर आएगा। फिर अगर उसको खेलने को नहीं मिला, जो भी मैं बता रहा था, तो भी हैज़ार्ड है। बहुत कारण हो सकते हैं इसकी वजह से खेलने को ना मिले, जैसे अभी कोरोना है, जा ही नहीं सकता बच्चा बाहर, या वो ऐसी जगह रहता है उसके आसपास कोई रहता ही नहीं है जो उसके साथ खेले, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड जगह पे है, या उसकी किसी प्रॉब्लम की वजह से उसके पीयर्स उसको रिजेक्ट करते, उसके साथ में खेलना पसंद नहीं करते हैं, तो भी जो है उसके मोटर डेवलपमेंट पर असर आएगा। फिर मॉरल हैज़ार्ड भी होते हैं। अगर पेरेंट्स जो है कंसिस्टेंट डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, कभी तो उस बात के लिए टोक दिया, कभी नहीं टोका, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, या उसी बात के लिए एक आदमी ने कहा वेरी गुड और दूसरे ने डांट मारा, तो भी वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे करना है कि नहीं करना है। तो उसको कभी करेक्ट चीज़ समझ में नहीं आएगी कि मुझे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसको अगर डिफरेंट व्यूज़ मिलेंगे तो भी उसके मॉरल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। फिर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये एक सीक्वेंस में होता है। जैसे अभी मैंने लैंग्वेज के बारे में बताया, पहले कूइंग होगी, फिर बैबलिंग होगी, फिर टेलीग्राफिक सेंटेंस होंगे, फिर सिंपल सेंटेंस होंगे, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, फिर एडल्ट लाइक सेंटेंस होंगे। तो ऐसे सीक्वेंस में होता है। बच्चा पहले जो है करवट लेना सीखेगा, फिर वो रेंगेगा, फिर वो खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा, ऐसे सीक्वेंस होता है। और बच्चा जो है डिफरेंट स्टेजेस में पास करेगा और हर स्टेज की अपनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। और मैंने पहले भी बताया था कि हर इंडिविजुअल का अपना जो है अलग रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक आदमी जो है सेम एज पे सेम चीज़ को एक्वायर करे। कि मैंने जैसे भी बताया था कि तकरीबन 1 साल की एज पे पहला वर्ड बोलता है, कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि 1 ही साल पे बोलेगा। हो सकता है कोई बच्चा 8 महीने में बोलने लग जाए, हो सकता है कोई 14 महीने में बोले। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बोलते हैं, वो तकरीबन 3.5-4 साल की एज में पहला वर्ड बोले थे, पर वो कितने इंटेलिजेंट है आप जानते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इस स्पीड से ही चलेगा। स्पीड किसी की स्लो भी हो सकती है, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हाँ सीक्वेंस ज़रूर होगा। फिर जो एज ए ह्यूमन बीइंग जो है एज ए होल हम डेवलप कर रहे होते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, कॉग्निटिवली भी, साइकोलॉजिकली भी, और हर चीज़ का रेट अपना अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं कि जिस एज से फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा हो उसी एज से जो है कॉग्निटिव भी हो रहा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सो हर एक डेवलपमेंट अपने रेट, अपनी स्पीड से हो रहा होता है। और जो डेवलपमेंट है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन इज़ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक एंडाउमेंट। जो जेनेटिकली हमको मिला है वो पूर्णता को जो प्राप्त होगा वो मैच्योरेशन हो गया। और लर्निंग जो है वो हमें एनवायरनमेंट वातावरण से भी मिलती है सीखने को और हमारे एफर्ट से भी, तो ये भी इम्पैक्ट डालता है। तो जो फिज़िकल डेवलपमेंट है अर्ली चाइल्डहुड में वो हाइट लगभग 2.5 इंच लगभग, एग्जैक्टली नहीं और सबके लिए सेम भी नहीं है, लगभग 2.5 इंच पर ईयर बढ़ती है। वेट 3 to 5 पाउंड्स, पाउंड्स है केजी नहीं, 3 to 5 पाउंड्स पर ईयर जो है लगभग बढ़ता है। बॉडी बिल्ड जो है बच्चे का इस दौरान होने लग जाता है। एंडोमॉर्फ मतलब थोड़ा जो है गोल मटोल से जो होते हैं बच्चे वो एंडोमॉर्फ हो गए, मोटे से जो थोड़े होते हैं गुलगुले टाइप के। एक्टोमॉर्फ में जो लीन एंड थिन होगा, पतले से और बड़े फ्रेजाइल से देखने में लगते हैं। और या मेसोमॉर्फ भी हो सकता है, मेसोमॉर्फ में जो है मतलब मस्कुलर बॉडी होगी, वेल बिल्ट होगी, स्ट्रांग होगा वो। प्योरली ना तो कोई एंडोमॉर्फ होता है, ना एक्टोमॉर्फ होता है, ना मेसोमॉर्फ होता है, नॉर्मली कॉम्बिनेशन होता है। और कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर एंडोमॉर्फ या ज़्यादातर एक्टोमॉर्फ या ज़्यादातर मेसोमॉर्फ होता है। फिर जो है मोटर स्किल डेवलपमेंट जो है वो मैंने जो बताया था, अब हम इसको डिटेल में बात करते हैं। तो मोटर स्किल डेवलपमेंट जो है वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं और दूसरे ग्रॉस होते हैं। पहले ग्रॉस समझते हैं। ग्रॉस में क्या आता है? जैसे रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग, इस टाइप के काम जिसमें बड़े मसल्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। और जिसमें बारीक मसल्स यूज़ होते हैं उसे फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि पेज को पलटना, ड्राइंग करना, लिखना, ये सब जो है फाइन मोटर स्किल्स में आता है। तो पहले जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स आते हैं बच्चे में, उसके बाद में फाइन मोटर स्किल्स आते हैं। इसीलिए बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स के काम तब तक नहीं देने चाहिए जब तक कि उसके फाइन मोटर्स से रिलेटेड जो उसके मसल्स डेवलप ना हो जाएं। जैसे अगर आप बहुत छोटे बच्चे को जबरदस्ती करके लिखवाने लग जाएंगे, अभी उसकी फाइन मोटर्स जो है डेवलप नहीं हुई हैं, तो डैमेज हो जाएंगी उसकी फाइन मोटर्स, वो कभी ज़िंदगी में अच्छा लिख ही नहीं पाएगा। तो जब उसकी उंगली की मसल्स सफिशिएंट डेवलप हो जाएं, हथेली की मसल्स सफिशिएंट डेवलप हो जाएं, तब लिखने को उसको करना चाहिए। सो इसीलिए जो है एजुकेशन में इस चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट है कि बच्चे को कब क्या सिखाना है। फिर जो ब्रेन होता है वो इस दौरान बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है। जो बच्चा जब 2 साल का होता है तो उसका जो ब्रेन में इतने साइनाप्सेस होते हैं जो कि उसकी लाइफ टाइम में कभी भी नहीं हुए। साइनाप्स कहते हैं 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, न्यूरॉन्स कभी आपस में टच नहीं करते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है, उस गैप को साइनाप्स कहते हैं। तो न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए। तो ये जो कनेक्शन होता है न्यूरॉन्स के बीच में थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स गैप में, इसको साइनेप्टिक कनेक्शन कहते हैं। तो एट द एज ऑफ 2 ईयर्स उसके ब्रेन में, बच्चे के ब्रेन में इतने साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं जो एक एडल्ट से कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो वो जो है जैसे जैसे जो है जो जो ज़रूरत पड़ती है वो कनेक्शंस यूज़ होते रहते हैं, बाकी धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं। तो एक 2 साल के बच्चे के ब्रेन का साइज़ जो है लगभग 75% ऑफ एडल्ट ब्रेन साइज़ होता है 2 साल के बच्चे का। तो इस दौरान ब्रेन डेवलपमेंट जो है बहुत तेज़ी से हो रहा था और नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो रहा था बच्चे का। और बॉडी का प्रोपोर्शन और भी जो है और शेप भी जो है डेवलप हो रहा होता है, क्योंकि अलग मैंने बताया कि अलग अलग चीज़ अलग अलग रेट से डेवलप हो रही है, कोई एक ही प्रोपोर्शन से नहीं। कहीं कभी हाथ और पैर तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, एब्डोमेन नहीं हो रहा है, फिर एब्डोमेन होने लगा, कभी पहले ब्रेन स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो अभी बॉडी उतनी जो है प्रोपोर्शनेट नहीं दिखती है बच्चे की, जो कि एक एडल्ट की दिखती है। फिर जो अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे के जो है दांत, अभी जो दूध के दांत गिर रहे होते हैं और 1 या 2 परमानेंट टीथ आ गए होते हैं, कई जो है गैप्स होते हैं दांतों में, तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है इस एज में। नाउ कम्स द साइकोसोशल डेवलपमेंट। तो जो एरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है साइकोसोशल डेवलपमेंट की, उसमें यह कि जो हमारा जो सोशल एक्सपीरियंस है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमने जो पहली स्टेज पढ़ ली थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की, तो अब जो है सेकंड स्टेज आती है अर्ली चाइल्डहुड में, वो है क्या? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड गिल्ट। तो इसमें क्या है, सोसाइटी बच्चे से ऑटोनॉमी की एक्सपेक्टेशन करती है, समाज को उम्मीद होती है कि बच्चे अपने काम खुद करने लग जाए। तो अगर तो वो अपने काम खुद कर पा रहा है तो उसके अंदर जो है सेल्फ इवैल्यूएशन, अपना इवैल्यूएशन, जो स्व मूल्यांकन है वो कैसा करेगा कि मैं अच्छा हूँ, कॉम्पिटेंट हूँ, तो उसमें कॉन्फिडेंस की फीलिंग आएगी। और अगर वो नहीं कर पाएगा तो शेम और गिल्ट की फीलिंग आएगी। द चाइल्ड विल बी हैविंग फीलिंग ऑफ गिल्ट। उसमें जो है अपराध बोध होगा कि जो है मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे उम्मीद की जा रही है। इस तरह से ये स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर बच्चे ने ऑटोनॉमी अचीव कर ली तो वो एक सक्सेसफुल, उसने अपने एनवायरनमेंट के साथ में तालमेल बिठा लिया, और नहीं किया तो अनसक्सेसफुल रहा, जो कि आगे वाली लाइफ में उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। इस एज पे आके जो बच्चा दूसरों के थॉट्स और फीलिंग को अच्छे से समझने लग जाता है कंपेयर टू पहले। जैसे मैंने बताया कि 2 साल की एज में कुछ समझ नहीं आता कि कौन क्या सोच रहा है। 2 साल की एज में बच्चा जो हाईली ईगो सेंट्रिक होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि और कोई कुछ सोच भी सकता है। वो जो सोच रहा है बस वही एक चीज़ जो है। लेकिन अब आते हैं स्कूल में, क्योंकि अब लोगों के साथ में एडजस्ट करना पड़ता है, तो अब उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, दूसरा क्या फील करेगा, क्या सोच रहा होगा, मुझे दूसरों के साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए, ये आने समझ में आने लगता है। दूसरा, अब जो है उसको इमोशंस भी एक्सप्रेस करने बेटर आते हैं। जैसे अगर कोई वो गेम खेला तो हारने वाले की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए उसके ऊपर, ये उसको समझ में आने लग जाए कि सोशली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर इस स्टेज को उसने जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, ये सब काम उसने सक्सेसफुली कर लिए, तो बहुत अपने आप को सिक्योर्ड, कॉन्फिडेंट फील करेगा, अब सुरक्षित और आत्मविश्वास फील करेगा। नहीं तो जो है अपने सोचेगा कि मैं इनएडिक्वेट हूँ, अपने ऊपर डाउट करेगा, मैं अपर्याप्त हूँ, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। फिर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है अर्ली चाइल्डहुड में, जॉन पियाजे ने बताया कि 2 मेन प्रोसेस होते हैं, एक एसिमिलेशन होता है और एक एकोमोडेशन होता है। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि एक हमारे अंदर जो ऑलरेडी एक कॉग्निटिव जो है स्कीमा है, उसको जो है हम यूज़ करते हैं कोई नई चीज़ को हासिल करने के लिए या नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो बच्चे को छोटी बॉटल से दूध सक करना आता है, अगर उसको बड़ी बॉटल जो है दे दी गई सक करने के लिए, तो वो छोटी बॉटल से जैसे सक करता था वही जो है स्कीमा अप्लाई करेगा इसको सक करने के लिए। थोड़ा साइज़ बढ़ा है खाली, बाकी प्रोसेस तो वही है। तो ये हुआ एसिमिलेशन। और दूसरा प्रोसेस होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में वो अपने जो ऑलरेडी दिमाग में प्रोसेस है, स्कीमा है, उसको चेंज करता है जो नई प्रॉब्लम आई है उसको एडजस्ट करने के लिए। जैसे छोटी बॉटल का ऑलरेडी उसके माइंड में स्कीमा है कैसे सक करते हैं, और आपने बच्चे के मुंह में पैसिफायर दिया। पैसिफायर कहते हैं ना, वो जो चूसने के लिए बच्चे के मुंह में डाल देते हैं, उसको पैसिफायर कहते हैं। तो उसमें से तो कुछ निकलता नहीं है, लेकिन उसका शेप जो है बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि बॉटल का होता है, दूध की बॉटल का बच्चे की। तो अब जो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं, तो बच्चे को ये समझ में आता है कि अच्छा वो जो बॉटल वाला स्कीमा है वो यहाँ नहीं चलेगा, बस मैं इसको चूसना है लेकिन निकलेगा कुछ नहीं, तो उसने दिमाग में एडजस्टमेंट किया। ये हुआ एकोमोडेशन। सो पूरी लाइफ हम लोग जो है अपने एनवायरनमेंट्स में खुद को एडजस्ट करने के लिए या तो एसिमिलेशन कर रहे होते हैं या एकोमोडेशन कर रहे होते हैं, ये हमेशा करते हैं। तो जो यहाँ पे जो है सेकंड स्टेज आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। जो पहली हमने जो मोटर स्टेज वाली थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 इयर्स से लेकर 7 इयर्स की एज में होता है। तो एक तो बच्चा इस टाइम लॉजिकली नहीं सोच पाता है, वो अपने लॉजिक देता है बच्चा, लेकिन वो बचकाने लॉजिक जो होते हैं ना, ऐसे होते हैं। और एक दूसरी चीज़ को रिवर्सिबिलिटी समझ में नहीं आती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब कि अगर कोई एक एक्शन करने से कोई चीज़ हुई है तो ये पॉसिबल है कि उल्टा करने से वो चीज़ वापस वैसी हो जाए। जैसे पानी को ठंडा किया तो बर्फ़ बन गई, तो ये भी पॉसिबल है कि बर्फ़ को गर्म किया जाए तो वो पानी बन जाएगा। तो ये जो है बच्चे को अभी समझ में नहीं आता है कि ऐसे रिवर्सिबिलिटी होती है, उसके लिए चीज़ें नॉन रिवर्सिबल हैं, जो हो गया वो हो गया। तीसरा ईगो सेंट्रिज्म, वो मैंने बताया कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है फीलिंग्स, अपने थॉट्स पता है, दूसरा क्या सोच रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कोई उसको जो है मतलब नहीं है. दिस इज़ ईगोसेंट्रिज्म. थर्ड, चौथा जो है उसके कॉन्सेप्ट स्टेबल होते हैं, धीरे धीरे उसको धीरे धीरे जो है ये कॉन्सेप्ट जो बन जाता है फिर वो स्टेबल रहता है. और धीरे धीरे जो है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो मेंटल रीजनिंग जो है उसकी इम्प्रूव होती जाती है और उसमें जो है सिम्बॉलिक रीजनिंग भी आती जाती है कि इस सिंबल का क्या मतलब है, ये चीज़ क्या है, उस चीज़ से क्या मतलब होता है, ये वर्ड बोलने से क्या होगा. और इस दौरान बच्चों में जो है मैजिकल बिलीफ होता है, जादू वगैरह की चीज़ों से बड़ा उसको इंटरेस्ट होता है. और एक और चीज़ होती है, इस दौरान बच्चा हर चीज़ के लिए वाई करता है, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, वो क्यों नहीं है, उसने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों करूँ, ये सब वाई वाली जो है बहुत ज़्यादा फीलिंग बच्चे में होती है. और इस दौरान जो है बच्चे को अगर कोई चीज़ सिखानी है तो सबसे बढ़िया जो टेक्निक होती है कि उसको कोई चीज़ खुद जो है खोज करने दी जाए और जो उसके इंटरेस्ट है उसको डेवलप किया जाए. तो वो जब खुद खोजेगा, उसके इंटरेस्ट को आप सपोर्ट करोगे तो वो बहुत तेज़ी से सीखेगा. फिर जो लैंग्वेज है वो मैंने बताया कि अगर वो उसको बोलना नहीं आया तो प्रॉब्लम्स होंगी सोसाइटी में. और इस दौरान जो है वो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स को तो समझ पा रहा है. कॉन्क्रीट मतलब मूर्त चीज़ें जो सामने दिखाई दें, छू सकें, आप देख सकें, महसूस कर सकें, वो सब चीज़ों के बारे में तो वो समझ जाएगा. लेकिन जो अमूर्त चीज़ें, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, वो इतनी तेज़ी से उसको नहीं समझ में आती है. हाँ, कुछ कुछ चीज़ें उसको समझ में आ रही है, जैसे टाइम है. अब टाइम तो कॉन्क्रीट नहीं है तो वो जो है उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होता है. और मनी भी, मनी वैसे तो आप रुपया दिखाओगे तो वो कॉन्क्रीट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है मनी का, वो जो है कॉन्सेप्ट उसको नहीं समझ में आ रहा होता है. थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा होता है. फिर जो वोकेबलरी जो है उसकी पहले 3 साल में तकरीबन, डिपेंड करता है बच्चे पे कौन सा कैसा है, 300 वर्ड्स टू 1000 वर्ड्स की होती है. और 5 साल तक आते आते लगभग 1500 वर्ड्स की हो जाती है. तो आपने देखा 5 साल का बच्चा जो अपनी बात को अच्छे से समझा लेता है. तो अगर यानी कि आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, फॉरेन लैंग्वेज भी सीखनी है, तो अगर आपने तकरीबन 1500 वर्ड सीख लिए, 1500 वर्ड सीख लिए, तो आप अपनी बात को इजीली कन्वे कर लोगे. और 6 साल तक बच्चा आते आते जो है काफ़ी आराम से सोशली जैसा जो इसकी रिक्वायरमेंट है वैसा वो बोलने लग जाता है और उसकी स्पीच काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाती है काफ़ी हद तक. जो मैंने ऐसे बताया ना, पहले 7 साल की एज में बच्चे को एडल्ट मानते थे, वही पनिशमेंट मिलेगा जो एडल्ट को मिलेगा गलती करेगा तो ये ट्रांजिशन इस टाइम हो रहा होता है. और 7 साल का बच्चा जो है टाइम को टू द क्वार्टर बता सकता है, यानी कि जैसे 7:15, 7:30, 7:45, इस टाइप से 7:15, 7:30, 7:45 ऐसे टाइम बता पाता है. 7 साल की एज तक बच्चा आते आते हैं कॉन्सेप्ट टाइम का उसका और क्लियर होता जाता है. रीडिंग राइटिंग काफ़ी हद तक सीख जाता है. जो ऑपोजिट एनालॉजीज़ हैं वो भी वो सीख जाता है, जैसे गुड, बैड, बॉय, गर्ल, लेफ़्ट, राइट, ये सब जो है उसको समझ में आने लग जाता है. और इस टाइप के टर्म्स भी वो समझने लग जाता है कि जैसे अलाइक, डिफरेंट, बिगनिंग, एंड, इसका क्या मतलब है, ये उसको समझ में आने लग जाता है. तो उसकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती जाती है. सो इसके साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है. मुझे उम्मीद है आपको सीखने को मिला होगा. सो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और टॉपिक पे. तब तक बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग. मैं ये आप लोगों ने शायद नोट किया होगा, हमेशा बोलता हूँ कीप स्माइलिंग, क्योंकि आप जो एक्टिविटी करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी, उसका आपकी ब्रेन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. जो ब्रेन सबसे बेस्ट तब वर्क करता है जब आप खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं. और जब आप खुश होते हैं तो क्या करते हैं, स्माइल करते हैं. तो रिवर्स वाली बात भी सही है, अगर आप स्माइल करेंगे तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि आप खुश हैं और आपका ब्रेन बेटर काम करेगा. इसलिए कीप स्माइलिंग. सी यू सून विद मोर वीडियोस. थैंक यू वेरी मच.